चैनल होने के नाते हमने एक न्यूट्रल चैनल पे आपको आने का इनविटेशन दिया था, नॉट आवर्स नॉट योर्स बट अ न्यूट्रल चैनल। तो और किस प्राइवेसी का कोई इशू नहीं है, इवन चले मैं चले, फेस रिवील नहीं करता, आप नहीं आप करते, इसे न्यूट्रल मैं चाहता हूँ समझे, कि एक न्यूट्रल चैनल पे आए। आपको हमारा चैनल न्यूट्रल नहीं लगता? यहाँ पर कोई किसी धर्म का आदमी बैठा है, आपको लगता है तो बताएं, हम पहले वो गलत फहमी दूर करेंगे। बताएं अगर आपको लगता है कि भाई किसी पर्टिकुलर धर्म से कोई बंदा यहाँ पे बैठा है। आप हमारी पूरी वीडियोस देख सकते हैं, आरपीजी की वेद देख सकते हैं, किसी की भी देख सकते हैं। आप शक सवाल जो भी है आप रख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद अपनी बात शुरू कर सकते हैं। पहले इत्मीनान कर लीजिए कि हाँ ये मंच आपके लिए सेफ है या नहीं है, वो इत्मीनान आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताएं। मैं चाहूंगा सर कि ठीक है, मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। मैं चाहूंगा कि सर एक वॉल ना क्रिएट हो कि वन साइडेड सिर्फ वहीं से लोग यहाँ पर आए। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी हमारे यहाँ पर आए, हम लोग भी इनवाइट करते रहते हैं फॉर अ डिबेट, क्योंकि देखिए जो डिबेट, विवाद मैंने होती है सर। आपने स्टार्टिंग में मुझे सुना सर, क्या चीज पे डिबेट होता है सर? वैसे क्या सब्जेक्ट रहते हैं? आपका जो थंबनेल का ये टाइटल है, जितने आपने वीडियोस बनाए हैं सर अच्छा, उन उन पे पर, डिबेट होती है? मतलब आप सनातन की तरफ से आप डिबेट करते हो कि सनातन धर्म? अच्छा, जी, आप ये ठीक है मानते हो कि सर। सनातन धर्म सबसे अच्छा है, इस बात पे आप लोग डिबेट करते हो? मैं तो किसी धर्म को अच्छा नहीं मानता सर, मतलब मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। पहले अमित जी आप मैं एक ये मानते रिक्वेस्ट हो आप दर लोग कि अमित जी, जी जैसे कि अब ये आ चुके हैं, तो आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। हाँ, और धन्यवाद आपका दोस्तों, वैसे। हाँ दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ किसी को भी यहाँ पर ट्रोल ना करें, और हाँ, जब मत तक कीजिए बात चल सच रही में। है प्लीज़ किसी को भी, और कोई भी अभद्र भाषा में कोई कमेंट ना करे। और मैट्रिक्स जी आप भी कमेंट की तरफ ध्यान ना दें, वैसे हाँ, मैं ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ। और मैं भी मेरे निवेदन मेरे करूंगा भाई, किसी हाँ को भी अभद्र जी भाषा नहीं। हाँ ठीक है। अर्पित जी आप भी कह दें दर्शकों को, चलो बिल्कुल दोस्तों, किसी भी तरह का कोई अभद्र कमेंट ना करें। देखिए, हमने पहले भी बोला था, हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, हम कोई ट्रोलिंग करने नहीं बैठे हुए, कोई किसी का मजाक उड़ाने नहीं बैठे हुए। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि जिस तरह से हम सभ्यता के दायरे में डिबेट करते हैं, बिल्कुल वही आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैट्रिक्स जी आप अपना पक्ष रखें और बताएं जी, आप। मैं स्टेटमेंट रखता हूँ। जी 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 ऐसा है सनातन सर धर्म कि जी 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 ऐसा है सर कि आप लोगों के जो तरफ से व्यूज आते हैं, आपके जो चैनल हैं, जो आपके बेनिफैक्टर्स हैं, एक्वेंटेंस हैं, जो आप लोग के वीडियोस आते हैं, वो हमें उन पर विवाद लगता है। विवाद में आपके जो क्लेम देते हैं वो हमें फाइनल क्लेम नहीं लग के एक विवाद लगता है, उस पर फर्दर रिसर्च हमें मांगता है। तो ये जैसे चीज़, जैसे जैसे अभी बुद्धिज्म पर हमारी स्ट्रीम से मैं आया हूँ, गौतम बुद्ध जी का, चलिए मैं जिक्र कर देता हूँ, गौतम बुद्ध जी का होना, उनका समकालीन होना, उनके फिलोसफीज पर हमें कुछ संशय है, और आपके क्लेम से हमें एक डिसएग्रीमेंट है। ये मैंने ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको बता दिया ओके, जी। इस पे तो मैं मैं इस जवाब पे दूंगा। आपका तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक जो डिबेट का सिस्टम होता है वो ये होता है कि आप अपने मत का बचाव करेंगे, और हम जैसे हम आपके मत का खंडन करते हैं, तो आप मतलब वेदों को क्या मानते हैं और रामायण ग्रंथों को और गीता को क्या मानते हैं, और आप राम कृष्ण और जितने भी आपके देवता हैं, महापुरुष हैं या योगी योगेश्वर हैं, उनको आप क्या मानते हैं। क्या होता है कि एक न्यूट्रल, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा बुद्ध पे जो आपने सवाल किया है कि मैंने उनको रैशनल क्यों कहा। ठीक है, मैं इस बात का जवाब दूंगा, पक्का प्रॉमिस है, चाहे मुझे कितनी भी देर बाद देना पड़े, कभी भी देना पड़े, लेकिन जवाब दे के जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले अपनी निष्पक्षता साबित करें। आप सनातन से आए हैं, जी ठीक है, आप सनातन से आए हैं, आप बुद्धिज्म पे बात कर रहे हैं, बुद्ध पे बात कर रहे हैं, ठीक, तो हम पहले क्यों ना सनातन पे बात करें, क्योंकि जी दोनों पे आप, बात होगा। हाँ ठीक है, तो बताएं जो मैंने पूछा है आपको कि बता दें आप क्या मानते हैं आप जी, सनातन को। जी तो वेदों को, गीता को, उपनिषद को, इनको हम हमारे नहीं, तबके पहले मानते बताएं हैं। मैं सनातन धर्म का अर्थ क्या है सर। सनातन धर्म मतलब
आप लोग तो सर क्वेश्चन पहले मैंने जो दिया था आपने सेकंड क्वेश्चन पुट अप कर दिया, लेकिन ठीक है सेकंड का ही चले देता हूँ। सनातन धर्म वो है जो जो सनातन है, जो वैदिक है, जो बहुत समय से चला आ रहा है। और इसके मैं कुछ ऑथर्स को कोट करूंगा, सीताराम गोयल जी, रामस्वरूप जी, कोनराड एल्स्ट जी, ये लोग कुछ इंडोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सनातन धर्म की एक परिभाषा अपने उन्होंने बताया है, साझा किया है, और हम उस पक्ष से आते हैं। क्या तो परिभाषा आप है सर अपना उसकी? रिस्पांस, सनातन धर्म का मतलब जो पुराना है, जो सदियों से चला आ रहा है, जो समाज में व्याप्त है, वो मैं सनातन की आगे कौन परिभाषा सी मानता हूँ जी। उसकी किताबें कौन सी है सनातन धर्म की? वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, वेद महाभारत। उपनिषद में सनातन शब्द आ गया है? सनातन शब्दावली की, सनातन जो शब्द है, अब देखिए सर, नहीं सर, बहुत पॉइंट से टू पॉइंट ग्रंथों चलेगा ना में, प्लीज। जी, भाई जैसे इस्लाम जो है वो बोलते हैं ना, ईसाइयत की बात होती है, ठीक है, वो उनके धर्मों में उन जिस धर्म का नाम लिया जा रहा है वहां पे शब्द निहित है। आपने कहा वेद उपनिषद, क्या वेद उपनिषद में सनातन शब्द आया है? पहले यहां से करते हैं ना, हम जो धर्म का नाम है ना पहले इसको एक बार डिसाइड कर लेते हैं सर। जी मैं इसका जवाब दूंगा। इसका एक और जो आने वाला सवाल है उसका भी जवाब दूंगा। तो जो सनातन है हमारे भारत देश में, शैव, वैष्णव, वेदांत, द्वैत, अद्वैत, कई तरह के मत संप्रदाय हुए, गौड़ीय संप्रदाय। तो जो इतने सारे मत धर्म संप्रदाय हैं उनको एक कलेक्टिव फॉर्म में नहीं देखा जाता था, नॉट, शायद मैं उस शब्द कहूँ, कल्ट के रूप में नहीं देखा जाता था। अलग अलग मत हुआ करते थे। मेरा यही कहना है सर कि जो नहीं सर, आप सनातन समझे सर, मेरा सवाल नहीं जवाब दिए सर आप। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने वेद उपनिषद की बात की, क्या सनातन शब्द वेद उपनिषद में आया है कि नहीं आया? पहले हम जो नाम है ना वो स्थापित कर लेते हैं ना कि है कि नहीं है। जी, इस पर क्योंकि मैंने पूरा जो वेदों की शब्दावली है, मैं इस पर थोड़ा सा रिसर्च करने का जैसे टाइम मांगूंगा, क्योंकि जैसे क्या ह्यूमन विद मैं साइंस जी ने, ऐसा, या आ, आ, क्या हम ऐसा ऐसा कह लें कि चूंकि आप सनातन बोल रहे हैं तो हम इसको मान लेते हैं? वैसे अगर आप बोलोगे तो मैं इसको भी मान के बात आगे आपसे करना शुरू कर सकता हूं, हाँ कि मान ठीक लीजिए है? बस मैं उसमें कोई जी, हम आपसे किसी को इम्पोज नहीं वाद-विवाद करते कि नहीं आप कर मान रहा। लीजिए। नहीं, मैं बोल रहा हूं सर, आपने सनातन शब्द बोल दिया, ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैं उसको पढ़ूंगा, तो चलिए फॉर द टाइम बीइंग क्या मैं ऐसा मान लूं कि आपने चूंकि मान लिया इसलिए मैं बात आगे करूं? क्या मैं उसमें कोई वाद विवाद आपसे नहीं करूंगा, फिर मैं सनातन पे जाऊंगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा ना एक पॉइंट? जी, पॉइंट एस्टेब्लिश करने के लिए मैं तो यही कहूंगा कि जवाब दूंगा जरूर, आज नहीं तो कल तो दूंगा। तो इस पर आप मुझे चलिए, समय दें मतलब और अभी बात आगे ऐसा बढ़ाइए। करते हैं कि मैंने जो आपसे सवाल पूछा है कि भाई वेदों में सनातन शब्द आया है कि नहीं, आपको ये बात अभी नहीं पता है, आप ये बात बाद में आके कहेंगे, यही आप बोल रहे हैं ना? जी अब मेरे को एक बात बताइए सर, सनातन शब्द का मतलब क्या होता है? सनातन का अर्थ क्या होता है? जी सनातन का अर्थ है जो सदियों से चला आ रहा है, एक लेमेन डेफिनेशन देता हूँ, जो सदियों से चला आ रहा है वो सनातन है। इटरनल है, इटरनल है, गूगल पे इटर्नल आता है, मतलब इसका सनातन का जो अर्थ है इटरनल है वो ना। तो इटर्नल आता है। जी, अब गूगल की जो कोई चीज परिभाषा है अगर उस पर सनातन संदेह है, हो सकता है। सुन रहे ना सर, गूगल पे धार्मिकों की परिभाषा है वहां पे जो नहीं बड़े नहीं बड़े, कोई हाँ चीज अगर इटरनल है तो वो उस चीज की विशेषता बताता है, विशेषण है। हम संज्ञा की बात करेंगे ना, जी, ये संज्ञा विशेषण आप का भी मुझे मैं विशेषण जवाब दे बता देता रहे हैं, हूँ। मुझे संज्ञा बता दीजिए बस। जी, संज्ञा विशेषण पर मैं आपका जवाब देता हूँ। अब जैसे आप कृष्ण जी को जानते हैं, उनका नाम है कृष्ण, तो कृष्ण एक संज्ञा है, मगर वो शब्द का अर्थ है कि कृष्ण मतलब काला, तो वो तो विशेषण भी हो गया। तो इस रूप से जो कृष्ण जी का नाम कृष्ण है, तो मैं यह देखता हूँ कि सनातन धर्म
यहाँ पर एज अ संज्ञा रूप में यूज हो रहा है। आप ये जी कह रहे हैं कि दुनिया का पहला एक ऐसा धर्म है जिसका संज्ञा विशेषण एक ही है, आप ये कह रहे हैं ना? दर्शकों आप सुनते जाइएगा ना इनकी बात को। चलिए, विशेषण है इटरनल। इटरनल का मतलब होता है बहुत सदियों सदियों पुराना, जहां से चीजें शुरू हुई हैं। ठीक है, सनातन इटरनल का को कहां मतलब, तक लेके जाऊं सर मैं? 13.7 बिलियन ईयर तक लेके नहीं चलूं नहीं जो अमित बिग जी, बैंग अमित हुआ जी, था? अमित जी जी, इटरनल का मतलब है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। रहेगा। हाँ वही, हाँ चलिए, हमेशा से है। आदि ना अनंत। जी, हाँ, मैं हाँ तो इसका क्या जवाब देता मैं, हूँ सर। नहीं जी एक जी मिनट सर, जो हमेशा से है तो हमेशा से हर चीज नहीं है। 13.7 बिलियन ईयर पहले क्या मैं सनातन को लेके चलूं, मतलब वहां से शुरू हुआ ऐसा मानूं? इस सवाल को मैं खोल के मतलब टू पार्ट्स में बताता हूँ, एक्सपेंड करके। आपने, हमारा जो सनातन धर्म का इतिहास है वो हम लोग 5,000 साल हम लोग कहते हैं, लेकिन 5,000 साल पहले से जो सनातन ग्रंथ हैं, जो चीजें लिखी गई हैं, कंपाइल की गई हैं, वो इतने इयर्स पहले वो नेचर में प्री एग्जिस्टिंग लॉज हुआ करते थे। जो कितने नेचर के ईयर लॉज पहले? थे हाँ उसे कितने ये ईयर पहले, नोट कर ले, ये पॉइंट नोट कर ले सर, 5,000 साल का। इस पे आगे बात चलेगी जी। जी मैं नोट पांच कर हजार लीजिए। साल बोले आप, हाँ 5,000 साल बोले। मतलब सनातन धर्म की अर्लीएस्ट जो है वो 5,000 साल है। 5,000 साल पहले, उसके पहले हाँ का कंपाइल किया गया था जब से ह्यूमन स्पीशीज आने लगे थे। अच्छा, समझ गया सर, बस एग्जैक्टली। तो ह्यूमन स्पीशीज जिसको होमोसेपियन बोलते हैं ना, जो आप और मैं हैं, ठीक है, तो वो अफ्रीका में जो सबसे पुरानी खोपड़ी मिली है, जो आपके मेरे जैसे दिखती है होमोसेपियन की, वो 3 लाख साल पुरानी है। जिबिल इरहुद नाम की जगह है। तो उस, वो जो व्यक्ति था जिसकी खोपड़ी मिली है, वो सनातनी मान सकता हूं उसको मैं? जी, वो एक सोचने की शैली से आप उसे सनातनी मान नहीं, सकते हैं, वो सोचने की हमको शैली समझा नहीं सर, मैं दूंगा। आपसे पूछ रहा हूँ हाँ, सर, मान प्लीज सकते ऐसा हैं। नहीं कीजिए। तो वो यस यू सनातनी कैन। था। जी अच्छा, तो वो जो जिबिल इरहुद में था वो सनातनी था, उसको ये बात पता थी सर? मैं इसे कैसे समझाता हूँ अमित जी, कि जैसे आइजेक न्यूटन से पहले भी जो लॉज थे, उन्होंने उन लॉज को दिया, मतलब कोडिफाई किया, कहीं लिख के बता दिया, डिस्कवर किया प्रकाशित सर, किया। दिया नहीं, डिस्कवर किया। प्रकृति का जी एक नियम था, आइजेक न्यूटन ने बताया कि ये प्रकृति का नियम ऐसे काम करता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी नाम की कोई एक शक्ति है, वैसे काम करती है। ठीक है, मैं जी आप वहां तक सही कह नहीं रहे जा हैं, रहा हूं सर, मैं द सेम रूल होमोसेपियन अप्लाइज 3 लाख साल पुराना जिबिल इरहुद का वो जो आदमी था जिसकी खोपड़ी मिली, आप कह रहे हैं कि वो सनातनी था। ठीक है, आइजेक न्यूटन को पता था ग्रेविटी जैसी कोई चीज है, ठीक, क्या उस आदमी को वैसे ही पता था वो सनातनी है? जी। दरअसल उसे एक, वो उन रूल्स को, लॉज को फॉलो करता था, उसे क्या थे वो? इंटेंशनली, इंट्यूशन अच्छा में पता नहीं था, मैट्रिक्स, बट मैट्रिक्स जी, जी एक एक आपको सर एक ये सुपर चैट दिखाता हूँ, उससे थोड़ा सा आप नॉर्मल हो जाएंगे। मतलब थोड़ा सा क्या होता है, हिचकिचाट होती है ना नई जगह पे। एक सुपर चैट दिखाता हूँ, उससे शायद आपका मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। वरुण जी लिखते हैं, जी किसी धर्म पे मैं नहीं करूंगा। हाँ, जी मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, आप नहीं बोलेंगे। वरुण जी लिखते हैं, फोकेट मोहम्मद भी सनातनी था। ओके, शुक्रिया वरुण जी। अच्छा, आप बोलें किसी धर्म पे, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन बुद्धिज्म पे आप बोलेंगे, कमाल है। नहीं, नहीं हाँ नहीं दोनों पर बात होगी, मैं वन साइडेड नहीं बात करूंगा, नहीं, मैं तो नाइदर सर इम्पोज विज्ञान की करूंगा बात आप नहीं पे। करूंगा ना हाँ सर, मैं तो किसी धर्म की बात नहीं करूंगा, मैं तो विज्ञान ठीक मेरी कसौटी है। तो आप ये यहीं से, जी। चलिए फिर से चालू करता हूँ, डायरेक्ट हम फिर से आ जाते हैं। तो उस आदमी को ये पता था, आपने कहा कि वो सनातनी था क्योंकि वो कुछ नियम फॉलो करता था, क्या थे नहीं सर वो नहीं नियम? नहीं पता था सर, वो एक्चुअली में नहीं पता था, मैंने कहा नहीं पता। तो जो नियम थे जो अच्छा, तो आपको, ये आपको कैसे पता कि वो सनातनी था फिर, जब उसी को नहीं पता था? जो हमारे ग्रंथ है, स्क्रिप्चर्स है, उसमें जो चीजें लिखी गई हैं वो नेचर के हाँ प्री एग्जिस्टिंग रूप को कोडिफाई करके लिखा गया है। तो अच्छा, अब समझ जो गया आपकी बात। कोडिफाई की हुई चीज तो है वो उस पर क्या अप्लाई हो रही जिबिल है। इरहुद का वो जो आदमी था, जो आप कह रहे हैं कि जो सनातनी था, आपके किसी स्क्रिप्चर में उसके बारे में लिखा हुआ है क्या कि भाई एक आदमी था जिबिल इरहुद में, 3 लाख साल पुराना, वो सनातनी था?
जी, जो लिखने की प्रणाली है वो बहुत साल बाद आई है, मगर लिखने से पहले हमारा ये पेगनिज्म रूप में ये चीज नेचर में प्री एग्जिस्टिंग था, तो ये मेरा पक्ष है। अच्छा, वो आप कह रहे हैं कि वो क्या था? आ, 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 पेगन था वो, पेगन था। जी, पेगनिज्म पेगन रिलीजन, का मतलब क्या होता है सर? पेगनिज्म रिलीजन मतलब जो आस्तिक होते हैं, जो नेचर की पूजा करते हैं और वो मानते हैं कि एक क्रिएटर जैसी चीज है। तो जी आपने यहाँ पे दो चीजें एस्टेब्लिश करी है ना, पहली, और ये भी हाइपोथेसिस आप खुद कर रहे हैं, ये गैस आप खुद मार रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 3 लाख साल पुराना जिबिलिहुत का आदमी सनातनी था, दूसरा आप कह रहे हैं कि वो एक धर्म फॉलो करता था जो आपके धर्म से मिलता जुलता था, ऐसा? इसके क्या जी, सबूत है आपके पास में? मैं इस पर डिमिस्टिफाई करूंगा कि वो एक टीका नहीं करता था, वो मंत्र उच्चारण वगैरह तो नहीं ही करता था। ये कॉमन, ये नहीं, वो हमारे लिए भी, आदमी आपके लिए भी पेगन कॉमन सेंस है रिलीजन की को बात ही है। फॉलो करता था, इसके क्या सबूत है आपके पास? हमको तो सिर्फ उसकी खोपड़ी मिली है भाई। आपने बहुत, आपने मतलब उसका एक पूरा खांचा बना दिया कि वो ऐसा रिलीजन को फॉलो करता था, आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता पाया। तो इसका थोड़ा सा आप बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत ऐतिहासिक बात चल रही है यहाँ, मतलब ये स्ट्रीम को हिस्ट्री में याद किया जाएगा। जी जी, तो अपना प्रश्न दोबारा कंपैक्ट फॉर्म में रखिए। हाँ, तो मेरा प्रश्न है कि आप कह रहे हैं जिबिल इरहूत का आदमी सनातनी था, ये आपने पहले ही एस्टेब्लिश किया, ये आपने एक आ, 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 इसको एक आपने गेस किया है ना, ये आपने एक काल्पनिक बात की मेरे हिसाब से, ऐसा मान लीजिए, मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से तथ्य। दूसरा आपने कहा कि वो एक धर्म को फॉलो करता था जो आपके धर्म से मिलता जुलता है, पेगन रिलीजन। ये आपको कैसे पता चला सर कि वो ऐसे की धर्म को फॉलो करता था? जी, तो जो स्क्रिप्चर्स में जो प्री एग्जिस्टिंग नेचर के रूल्स कोडिफाई करके लिखे गए हैं, वो इंसान जाने या न जाने, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली उस पर अप्लाई हो ही रहे थे। तो ये मेरा समझाने का पक्ष है कि हाँ, जानते हैं अच्छा, कि वो वो घंटी नहीं आपको ये बजाता पता है सर था। कि वो हंटर गैदरर होता था और वो दरअसल स्कैवेंजर भी था। स्कैवेंजर का मतलब होता है कि अगर कोई जानवर ने किसी शिकार को खाया तो बचा खुचा मांस खाने के लिए वो आता था, और वो जो बोन मैरो हुआ करती थी ना, उसको तोड़ के उसके बीच में से जो मज्जा होती उसको खाता था। क्या आपके रिलीजन के वैदिक स्क्रिप्चर में ऐसी कोई बात लिखी हुई है? तो यहां से मैं मानूंगा ना कुछ मैं। जी, तो इसमें जो नॉन वेजिटेरियन खाने की बात लिखी हुई है, ये चीज स्कैवेंजिंग की बात, का स्कैवेंजिंग, स्कैवेंजिंग। जी, स्केवेंजिंग की जो बातें हैं, हाँ वो जरूरी नहीं कि हर पर्सपेक्टिव में, चाहे अलग अलग स्केवेंजिंग का आपने एग्जांपल दिया, वो उसमें तो अप्लाई तो नहीं ही हो रहा था। और हाँ, हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में कहीं ऐसे स्केवेंजिंग की या जो आप बात बता रहे, वो तो नहीं ही कहाँ था। पे सर, आप थोड़ा, हाँ नहीं है, ये तो कहाँ फिर पे लिखा आपको है? कैसे पता कि वो आ, 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 आपके रिलीजन को फॉलो करता था, वो सनातनी था, कैसे पता चला आपको? कौन सी स्क्रिप्ट, मतलब कौन सी उसमें लिखा है सर, ये बताएंगे मुझे? कहाँ से आप ये सब बोल रहे हैं और किसने लिखा है, किस भाषा में लिखा है? आप ये कुछ रेफरेंस दे सकते जी हैं जी वेदों ये? का मैं जैसे रेफरेंस देता हूँ कि हाँ वेदों में जो हाँ पशु बलि आज आप देखते हैं, वो चलिए प्रक्षेपित है, और वेद में अहिंसा हाँ हाँ सपोर्ट क्या करता है, क्या 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 बोले आपने, पशु बलि प्रक्षेपित है। है, मतलब कि वो मिलावटी है। प्रक्षेपित है, ओवरलैप्ड है, अभी मिलावटी है। अभी आपको मैं एक रिकॉर्डिंग दिखाऊं आज की, देखिए फिर मैं दिखाऊंगा तो फिर वो हो जाएगा थोड़ा वेद सा। कितने ये तो आप पुराने स्वीकार सर? कर लें, आप स्वीकार कर लें। एक मिनट अमित जी, आप बोल रहे हैं कि वेदों में जो पशु बलि है वो मिलावटी है। अभी आपकी ही स्ट्रीम पे कुदरती क्या हुआ कि वो एक हमारे रैशनल से साथी हैं, वो गए हुए थे, तो मैं वैसे रैंडमली खाना खा के थोड़ा सा देख लेता हूँ यूट्यूब वगैरह, तो वो आपकी स्ट्रीम चल रही थी, वहाँ पे एक बंदा कह रहा था कि आप बायोन बिलीव्स आए हुए थे वहाँ पे, तो उनको बोल रहा था कि देखिए पुराण तो मिलावटी हैं, उनका कोई वो नहीं है ऑथेंटिक। बड़ा जोर देकर कह रहा कि वेद वेद है ना जो, वो बिल्कुल साफ है, पवित्र है, पाक है, उसमें कुछ मिलावट नहीं है, और आप उनको श्रेष्ठ मानिए, उनको साफ मानिए, वहां से चीजें। तो वो बंदा कैसे दावा कर रहा था? आप ही के चैनल जी, पे, मैं मैंने एक तो मैं उनका, रिकॉर्डिंग दिखा जी रहा जी हूँ, सर, मैंने भी देखा है मतलब सर। आप कह रहे हैं कि वेदों में मिलावट है,
मतलब जो क्या मैं होता यह कह है रहा वेदों में मिलावट है आप कह रहे हैं। हाँ ये वेदों में मिलावट कह रहे हैं, जहाँ वेदों पे के क्या होता है, ऐसा क्यों होता है सर? देखिए मैं सिंपल सी भाषा में आपसे जानना चाहता हूँ और बहुत विनम्रता से ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी चीजें फंसती हैं, जहाँ पे भी कुछ गलतियां फंसती हैं, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो कास्टिज्म हो, चाहे पशु बलि हो, चाहे वो नियोग की बात हो, वहां पे उन चीजों को मिलावटी क्यों कहा जाता है और ये कब से कहा जा रहा है? किसने कर दी जी मिलावट ये क्या चक्कर जी है? आप जी लोग ऐसा क्यों करते हैं कि ये तो चीज मिलावटी है? आज से पहले उसी चीज को शब्द दश मतलब शब्दों के हिसाब से, एक एक वर्ड के हिसाब से, वर्ड बाय वर्ड उसको अप्लाई किया जाता था, सच माना जाता था उसको। अभी आप एकदम से ये कुछ सालों पहले से कहने लगे कि ये भी मिलावटी, ये भी मिलावटी। आज आपने नहीं, वेदों को मगर भी मिलावटी इन्होंने बताया, कैसे डिसाइड किया सर कि वो ये मिलावटी है? मिलावट। हाँ ये जी कैसे से मैं पता मान चलता कैसे? नहीं सर, इस पे मैं जवाब दे देता हूँ। जो ये तो वेदों आप के मूल मर्म है, मैं बता लूँ सर कि वेदों के हाँ जो मूल मर्म है उसमें पशु बलि जैसी चीज है ही नहीं, वो अच्छा अहिंसा को, हाँ अहिंसा उसका मर्म है। अच्छा वेदों का और एक और चीज, हाँ एक और पॉइंट मैं ऐड कर दूँ आपके, तो एक और पॉइंट है, एक किताब है सर, आई मीन एक किताब है, उसका नाम है द वैदिक एज, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, आरसी मजूमदार जी द्वारा लिखा हुआ है, और अरे उसका पेज नंबर 27 को मैं जैसे कोट करता ये हूँ उनका एक। एक मैट्रिक्स जी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा। ये क्या आधार होता है इस चीज का कि वो बंदा जो जिस मजूमदार आज लिख रहा है या फिर कोई सरस्वती आज लिख रहा है, वो उस चीज का क्या पैमाना होता है कि वो बंदा निष्पक्ष है, वही ऑथेंटिक लिखेगा, वही साफ लिखेगा, वही स्वच्छ लिखेगा, बाकी जिसने पहले लिखा उसने गलत लिखा, इस चीज का क्या पैमाना होता है मतलब? जी उस किताब में यही लिखा है कि वैदिक स्क्रिप्चर्स में ओवरलैपिंग्स हुई हैं, और ये इस एक्सटेंट तक हुई है कि आप उनमें जो ओवरलैपिंग है अच्छा उनमें एक फाइन लाइन ड्रॉ करके नहीं पता लगा सकते। अच्छा महर्षि जो दयानंद सरस्वती हैं उनको आप क्या मानते हैं? मतलब वो जी उनका लिखा हुआ तो सही होगा? जी मैं बता देता हूँ, मैं आर्य समाजी तो नहीं ही हूँ, और दूसरी चीज मैं उनकी बातों से पूर्ण रूप से एग्री नहीं करता हूँ। देर आर सम अच्छा बस डिसएग्रीमेंट्स विथ यहीं हिम। पे रोक लेते हैं सर, ये मेरी स्क्रीन शेयर कर दीजिए, बस यहीं बात रोक लेते हैं। इन्होंने कहा आर्य समाजी नहीं है और उनकी बात से सहमत नहीं है। अब मैं वापस से वो जो जीवीली रिहुद वाला है ना उसमें लेके चलूंगा सर, मेरी स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर। ये देखिए भाई, जी ये दयानंद सरस्वती जी का ही भाष्य है, यजुर्वेद का भाष्य है, अध्याय 25 मंत्र 7, जिसमें जी वो एक ये अरब कह रहे हैं छियानवे कि करोड़ मैं इसको हाँ मानता नहीं हूं, एक अरब नहीं नहीं छियानवे भाई, मैं करोड़ वाली बात यजुर्वेद नहीं दिखा रहा हूँ मानता। आपको, यजुर्वेद दिखा रहा यजुर्वेद हूँ आपको, ये ऋग्वेद नहीं यजुर्वेद है। का अध्याय 25 का मंत्र 7 दिखा रहे हैं, दिखा रहा हूं, जिसमें वो कह रहे हैं, इसका भाष्य लिख रहे हैं दयानंद सरस्वती जी ना, और बस मेरे को बता दीजिएगा गलत लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं। हे मनुष्यों, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्री के साथ वर्तमान, अंधे सांपों को गुदेंद्री के साथ वर्तमान, विशेष कुटिल सांपों को आंतों से, जलों को नाभि के नीचे के भाग से, अंडकोश को आंडों से, घोड़े को लिंग और वीर से, संतान को पित्त से, भोजनों को पेट के अंगों और गुदेंद्री ऐसे शक्तियों से, सिखावटों को निरंतर लीजिए। यहाँ सीधा सीधा आ रहा है भाई, विशेष कुटिल यानी अंधा कुटिल सांप जो है इसको अपनी पिछवाड़े में लेना है। दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं यजुर्वेद मंत्र के अध्याय 25 मंत्र 7 में। आप इसको सही मानते हैं? जी इसे मैं नहीं मानता, आगे बताइए। अच्छा एक मिनट, बस बस आप ये कह रहे हैं कि दयानंद सरस्वती का भाष्य गलत है? मैंने कहा कि मैं उनके पूर्णतः रूप से नहीं मानता हूँ, नहीं समझिए नहीं कि क्या यूं क्या 50-60 दयानंद परसेंट सरस्वती मानता जी हूँ। ने, तो अच्छा क्या आप जिसे दयानंद मानते हैं हम उसे सरस्वती कैसे जी ने मान गलत कहा है क्या? ये गलत कहा है यहाँ पे उन्होंने? लें, ये चीज मैं इसे मानता ही नहीं हूं, और ये मेरे आप नहीं अनुसार। मानते? अरे सर आप नहीं मानते क्योंकि आपके हिसाब से गलत होगा ना, हम गलत चीज को ही तो नहीं मानते हैं। क्या गलत लिखा है उन्होंने? गलत लिखा है ना? जी सही बात है, इसीलिए मैं उनकी हर बात से नहीं मानता, चलिए, क्योंकि ये इन्होंने ये चीज बोल गलत दिया है है। भाई कि दयानंद सरस्वती जी भाष्य गलत लिखे हैं, यजुर्वेद का भाष्य दयानंद सरस्वती ने गलत लिखा है। तो दर्शकों अब जो भी कहे आपको कि आर्य समाजी या कोई भी कहे कि
दयानंद सरस्वती जी ऑथेंटिक पर्सन है, उन्होंने जो लिखा है वो सही लिखा, उससे पहले वालों में मिलावटी है, तो यहाँ पर कोई भी क्लब जी यहाँ पे बोले हैं और किसी चैनल पे कभी ये जाके बोले दयानंद सरस्वती की बात, तो भाई ये बात इनको याद दिलाएगा, आपने ही कहा है कि दयानंद सरस्वती ने गलत लिख दिया है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। मैं बोलता हूँ सर कि मैं 60-70% ही एग्री करता हूँ, मतलब 62 बाकी का 30-40% वो बातें गलत लिख गए दयानंद सरस्वती जी। इस पर विवाद है और ये विवाद पे एक रिसर्च नहीं, हमारी रिसर्च की एक टेम्परमेंट है, रिसर्च खत्म हो गया। अब यहाँ पे वो ओजीबी लिरहुद वाले में फिर से आते हैं ना सर जी जी। तो ये वेद में से कहाँ लिखा है कि भाई वो कोई रिलीजन को मानता था जो आपका सनातन धर्म था, पहली बात। दूसरी बात, वो कौन सी भाषा बोलता था, आपके वेद कौन सी भाषा और कौन सी लिपि में लिखे गए जी। इस पर जो जवाब है, जो नेचर के एग्जिस्टिंग लॉज मैंने बता दिया, बट ठीक है, आगे जो भाषा बताते हैं, संस्कृत जो है वो पहले लिखी जाती थी, मगर उसके पहले छंदस में जीबी लिरहुद का तो नहीं लिखा हुआ है, मैं नहीं लिखा हुआ है, उस समय लिखावट जैसी चीज नहीं थी। उसकी भाषा कौन सी थी? उस समय भाषा ही नहीं था। अच्छा, मतलब उस समय कोई भाषा नहीं था, मतलब आपका सनातन धर्म उस समय क्या था? सनातन धर्म प्री एग्जिस्टिंग था, जैसे मैं जीवी लिरहुद पे समझाता हूँ। जीवी लिरहुद के समय ना न्यूटन थे ना ग्रेविटी जैसी शब्द थी, मगर ग्रेविटी उस समय रहा करती थी। आप मेरी बात ये मेरा परिप्रेक्ष्य, न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया है जी जी, डिस्कवर। तो भाई इसका मतलब है कि वो प्री एग्जिस्टिंग था। आप मेरे को ये समझाइए कि उस समय सनातन धर्म था जो वो मान रहा था, ये समझाओ आप। सनातन धर्म सर, जो उनके लॉज होते हैं, जो वैदिक स्क्रिप्चर्स में लिखे होते हैं, वो जो लॉज हैं, जो सनातन धर्म की, हाँ नहीं नहीं आप एलेबरेट कर दीजिए, वैदिक वो लॉज बता दीजिए। हाँ, वो लॉज बता दीजिए, उनके गॉड बता दीजिए, उनके पहले से प्रिंसिपल बता दीजिए प्लीज। मैं पहले से बताता हूँ, जो लॉज थे, मैं इस पे जवाब दे रहा हूँ, लेकिन जो लॉज थे वो उस समय प्री एग्जिस्टिंग थे, यानी कि उस समय के अनुसार व्याप्त थे, भले लिखावट नहीं था, भले लेखनी नहीं थी जी। अब वेदों में बहुत सी चीजें हैं, मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, एन आइडियल लाइफ वगैरह की चीजों पर, साइंस भी है फॉर एग्जांपल। नहीं नहीं बता रहे सर ये, हाँ जी, कैसे जीना चाहिए वेदों में, जो आइडियल बात है। अब जो प्रक्षेपित दिखाएंगे उसको तो हम प्रक्षेपित चीजों को हम प्रमाणित किसे मानते हैं? कमाल कर रहे हैं आप। प्रमाणिक वो होता है सर, प्रमाणिक वो होता है जो वेदों के मूल मर्म, हाँ आधार मूल मर्म जो वेदों के जानते हैं आप, कैसे जान पाएंगे कि मूल मर्म ही लिखा उसने? वेदों के मैं बता रहा हूँ सर, वेदों के जो मूल मर्म है उसके जो आखिरी जो प्रक्षिप्त होते हैं वो चीज उसको कंट्रडिक्ट करेगी, विरोधाभास आएगी सर। मैं विरोधाभास अगर समझ रहा हूँ आपकी बात, आप ये कह रहे हैं कि जिबिल इरूद का आदमी 3 लाख साल पुराना, वो वैदिक लॉज के हिसाब से रहता था, आप ये कह रहे हैं? क्या सही, जो वेदों में लॉज लिखे हैं वो लॉज उस समय थे, तो हाँ बताइए कौन से लॉज थे? एक आइडियल ह्यूमन बीइंग का रहना, एक अच्छा वो एक आइडियल ह्यूमन बीइंग था जो मज्जा निकाल, आइडियल बीइंग वेदों में लिखा हुआ है, मनुर्भव नंगा घूमता था हाँ नंगा घूमता था जी। इन सब चीजों पर तो इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया हुआ है कि कोई नंगा घूमता था या गाना गाता था या क्या करता था। आपको कैसे पता है कि वो वैदिक लॉज के हिसाब से रहता था और चूटी रखता था? क्योंकि जो सनातन धर्म उस व्यक्ति से, जो इंसान की इंसान का जब फॉर्मेशन हुआ, तो वो इंसान के उस समय में वो लॉज एग्जिस्टिंग थी और वो इंसान उसको हमको जब इंसान आने लगे ये पता नहीं था, मगर वो उस समय ये हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। ओ ये तो बिल्कुल ऐसे ही बात है कि भाई कुरान में लिखा है कि मोहम्मद आखिरी पैगंबर है, ठीक है, और मोहम्मद आखिरी पैगंबर है इसका सबूत क्या है? क्योंकि कुरान में लिखा है। ये तो ऐसी ही बात आप कर रहे हो। अच्छा एक काम, मगर जो कुरान आया है वो 1400 साल पहले आया है। मैं अभी आपके में ही रहेंगे, मैं आपको कोडिफाई हुआ है 1400 साल पहले, पैगनिज्म छोड़ के प्रिंसिपल्स बताएंगे ना, 3 लाख साल पुराने का वो बता दो बस आप। मैट्रिक जी
हाँ, पहले ये सवाल का जवाब दें, फिर आप ये बताएं कि आपके पास कितना समय है, अगर आप किसी और साथी को भी अपने यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं अपनी हेल्प के लिए, तो भी वो भी बताएं, हाँ वो और भी कर हमें लें। कितना समय चलना है, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत कुछ खुला पड़ा है यहाँ पे दूसरी स्क्रीन पे, तो मुझे वहाँ पे भी जाना है, और फिर आपकी बात का भी जवाब देना है, तो मैं चाहता हूँ कि आप एंड तक चलेंगे हमारे साथ ना। जी एंड तक मतलब मुझे टाइम बताइए, अभी ट्वेल्व टाइम फिफ्टीन एम हो रही है, हमारा दो घंटे तीन तो घंटे और, हाँ अभी 2 घंटे 3 घंटे और है, हमारा दो चलता है इतना घंटे छः। तो पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा सर। ओके, तो फिर हम जल्दी करेंगे ना, थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो पहला ये वेदों के प्रिंसिपल बता दीजिए हाँ वेदों बस, वाला जो प्रिंसिपल उस बता समय दीजिए, वो जो प्रिंसिपल हिस्ट्री वाला, वो तो वेदों के बेकार है, प्रिंसिपल बहुत बेकार, मैं वो तो बेकार बिल्कुल गया ना मैं सर। जल्दी फॉर्म अप कर सर देता हूँ, सर वेदों के जो प्रिंसिपल एक होते एक थे। एक एक चीज सर, हम क्या होता है कि एक चीज, जैसे आप कोई चीज हमें कहेंगे, मनवा लेंगे और साबित कर देंगे, तो हम उसको मान के चलेंगे। हम यहाँ पे बैठे हैं, जब आप किसी चीज को तथ्यों के साथ साबित कर देंगे, तो हम उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही आप भी स्वीकार करते हुए आपको भी आगे बढ़ना होगा कि वेदों में ये बात बकवास लिखी है मिलावट जो अभी अभी खत्म हुई है है, मिलावट वाली। जी, तो और दूसरा, मिलावट को तो हम नहीं ही मिलावट मानते की हैं। कसौटी क्या है मतलब, हाँ और हाँ मिलावट की कसौटी का मिलावट पता नहीं की लगा तो ये झूठी बात है। ये बेकार का मतलब क्या होता है, बचाव करने तो वाली बात होती है। कॉन्ट्राडिक्टरी जी, बातें हैं कसौटी में जो बता देता हूँ, जो बता दें। लेटर, जो वैदिक स्क्रिप्चर्स में लेटर पेजेस में जो श्लोक्स लिखे हुए हैं, तो वो अगर वेदों के मर्म को वो कंट्राडिक्ट करते हैं, विरोधाभास पैदा करते हैं, तो उस श्लोक को बराबर, हमें नहीं मानना चाहिए, वो प्रक्षेपित होने की ओर हाँ संकेत करते हैं। जी ओके, तो आप अच्छा प्रिंसिपल्स बता दीजिए तो प्लीज। नहीं नहीं जी, नहीं अब मतलब प्रिंसिपल देखिए, गया, और मैं वेद 1 मिनट, विरोधाभासी हैं, क्या चीज? गीता और वेद हैं विरोधाभासी। गीता में भी प्रक्षिप्त है ये चीज, एक अच्छा, तो हमें रूप आपका में ये बात मानता आप हूं। मेरे को बताओ, तो अगर आपका वेद प्योर विरोधी क्या है है, तो हम इसे आपका नहीं खारिज नहीं कर सकते आपका हैं। आपका सर प्योर क्या चीज है, हम वहां चले जाएंगे। जी, इसकी उपनिषद, ऑर्डर होती है। ये आपने नहीं नहीं खुद ही एक स्थापित कर मिनट दी एक है मिनट, सारी चीजें। चलिए अभी अभी आपने बोला, अभी आते हैं हम साइंस पे। अरे क्या वेदों में साइंस है सर? जी, आप बताइए। नहीं बताए ना आप बताए ना। देखिए, जब दावा तो जी सनातन की तरफ से ही बताता आता हूँ, है ना कि वेदों में और बहुत ग्रेविटी भी तो साइंस होना है, ही क्या चाहिए है ना सर वेद में तो। हाँ, वेदों में साइंस, हमारे जी, दर्शकों को बताएं कि सर ऑक्सीजन, वेद में साइंस है या नाइट्रोजन नहीं। सब कुछ इस है पर मैं उसमें। थोड़ा सा बता दूं, 10 सेकंड थोड़ा बोल लूं। हाँ वेदों बोलिए। में जरूरी नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन जैसा शब्द ही लिखा हो, ग्रेविटी जैसा शब्द ही लिखा हो, या ओके, फिर क्या टॉर्क, सब, मोमेंटम, हाँ मित्र ये लिखा सब चीज होगा, नहीं गुरु लिखा भी हो। लिखा होगा। एक एक मिनट अच्छा अमित जी, डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा हाँ एक एक क्वेश्चन मैं भी करना चाहता हूँ जी। हाँ ठीक है, आपने कहा कि वो शब्द अलग हो सकते हैं, ठीक है, आपने ये कहा कि वो जरूरी नहीं है कि वो ग्रेविटी ही लिखी हो वहाँ पे, हम ग्रेविटी बोल भी नहीं रहे, चुंबकीय बल या कुछ ऐसा कुछ लिखा हो, मतलब ऐसा समझ में आए कि हाँ ये उसको कोट करता है। आप क्या मानते हैं कि जो वेदों के जो लिखने वाले थे, ऋषि थे, या फिर ये ईश्वरवाणी है, क्या मानते हैं इसको, या फिर उनको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त था, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो, वैज्ञानिक थे, आप मानते हैं क्या इस बात को, इनमें से किसी बात को? जी, जो जी तो जो ईश्वर वाणी है वो, आप जैसा जैसा सीरियल में दिखाया जाता है कि आकाश से आकाशवाणी हो रही है, उस रूप में तो नहीं ही होगा। मगर कैसे होगा? जो जो ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे, जो उनको एनलाइटमेंट होता था, जो अच्छा, उनकी जो वो समझते थे, जो उनकी इंटेलिजेंस लेवल जो जिस रूप में पहुंचती थी, वो उसे नेचर को देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, एंड लिख देते थे वैदिक स्क्रिप्चर्स में। वो गॉड की तरफ से जानकारी वो आती थी, लॉज को कोडिफाई कर, वो गॉड की तरफ से वो जानकारी गॉड थी, जो है, वो जी गॉड की तरफ गॉड से की, और जानकारी। मेरा एक गॉड ऐसा नहीं है कि आसमान से आके कुछ आकाशवाणी देते थे नहीं या नहीं नहीं कोई वो सीरियल मैं वाली समझ बात रहा हूँ होती आप थी। समझ रहे हो, मैं आपको किसी ऐसे जो क्या बोलते हैं निराकार ऐसा कुछ ब्रह्म ऐसा ऐसे गॉड की बात करेंगे। मैं सीधा इसी पे आता हूँ कि क्या वो गॉड की तरफ से आई है जानकारी, ईश्वर कृत हैं ये हमारे जितने भी वेद हैं? जी, ईश्वर कृत तो है ही। ओके, ओके कौन जी, है? नहीं, ईश्वर पे नहीं ईश्वर जाएंगे का जो क्या आप, डॉक्टर डेफिनेशन साहब है, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, ईश्वर पे नहीं जाएंगे अभी, गॉड 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 पे आज नहीं अरे पर ये करेंगे, वैदिक लंबा हो जाएगा। प्रिंसिपल्स ही बता नहीं रहे, वेदों के प्रिंसिपल्स तो पता हाँ है ना हमें। वो दर्शक समझ रहे हैं वो, असल में हमें क्या जी, हुआ, प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ, हाँ प्रिंसिपल पहले बता वो रहा हूँ सर। खत्म कीजिए 5-10। जी, मैं इसे क्लियर करता हूँ। वैदिक जी प्रिंसिपल है, जी पहला तो मनुर्भव,
मनुर्भवा यानी कि मनुष्य बनो, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। और कौन से वेद में कौन सी ऋचा है ये? इसको तो फिलहाल इस पे जानकारी नहीं है, मगर मैं आपको जवाब दे दूंगा अगली बार, इसे आप नोट कर कौन से वेद में, चलो आप अगली बार सकते ऋग्वेद में है जी। क्या? मगर सर एक ये और बता दो सर कि कृष्ण के बारे में क्या विचार है आपके? जी, वेद के मैं प्रिंसिपल बता लूँ ना। अमित सर एक सेकंड, वेद को एक खत्म सेकंड, करें। एक सेकंड, अभी वो जो सवाल है ना वो पेंडिंग रह जाएगा और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी पे चलेंगे हम। मुझे एक बार स्क्रीन भी दिखानी है मैट्रिक्स जी को, तो आप बताएं प्रिंसिपल बता दें सर, बता दें फिर आगे बढ़ते हैं। जी प्रिंसिपल, उसमें बहुत से श्लोक हैं और प्रिंसिपल जो मूल, जैसे बता देता हूँ, ये जैसे एक श्लोक है वेद में, ऋग्वेद, आनुभद्रः कृतो यन्तु विश्वतः, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड, यानी कि जो नोबल थॉट होती हैं उसे हर तरफ से आने दीजिए। तो बहुत से और भी बातें लिखी हुई हैं, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मैं वेदों का पूरा ज्ञाता हूँ या एग्जैक्ट कोट करके बताऊंगा। ये मनुर्भव कैसे खाया जाता है, कैसे जिया जाता है, इनके बारे में लिखा हुआ है। इनको जो नैतिकता के रूप में जो मानता है, जो प्रक्षिप्त को नकारना जानता है, तो ये मेरी सोचने का पैरामीटर है। जी सर मेरे आपने पास ये एक ऋग्वेद है, ठीक है, इस पे भी बात करेंगे हम। ये एक ऋग्वेद है मेरे पास, ठीक है, और हम यहाँ पे बात करते हैं साइंस की, ठीक है। मैं बहुत जी सर ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा और थोड़ा सा साइंस की बात करेंगे। मेरा सिस्टम थोड़ा लैग कर रहा है आज, अभी चलते हैं। अरे यार, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सर, शायद ये 10वां मंडल होगा। देवों की उत्पत्ति से पहले के समय में असत से सत उत्पन्न हुआ, इसके बाद दिशाएं उत्पन्न हुई, दिशाओं से वृक्ष उत्पन्न हुए, ठीक है, वृक्षों से भूमि उत्पन्न हुई एवं भूमि से दिशाएं उत्पन्न हुई, भूमि से दिशाएं उत्पन्न हुई, अदिति से दक्ष उत्पन्न हुए और बाद में दक्ष से अदिति उत्पन्न हुई, अदिति से दक्ष उत्पन्न हुए और बाद में दक्ष से अदिति उत्पन्न हुई, ठीक है सर, ये नोट कर लीजिएगा। हे दक्ष, तुम्हारी हाँ पुत्री अदिति ने देवों को उत्पन्न किया। अदिति के पश्चात सम्मानीय एवं अमृत के बंधु देवों ने जन्म लिया। हे देवो, जब तुम इस जल में रहकर अपने को जानते हुए स्थित थे, तब तुम नृत्य सा करने लगे, इससे बड़ी धूल उड़ी, ठीक है, जलों से धूल उड़ी, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, चले यहीं तक कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज और थी यहाँ पे, हाँ वृक्ष, हाँ ये देवों की उत्पत्ति से पहले के समय में असत से सत उत्पन्न हुआ, इसके बाद दिशाएं उत्पन्न हुई, दिशाओं से वृक्ष उत्पन्न हुए। यहां से स्टार्ट कर लें सर, ये बताएं मुझे इसके अंदर कौन सी साइंस है सर जो हमें समझ नहीं जी, आ रही। तो ये जो चीजें लिखी हुई है ये मैं बताता हूँ पहले। ये जाहिर सी बात है कि ये असल प्रक्षिप्त जीवन में नहीं, प्रक्षिप्त होने से पहले मैं ये बता दूँ कि इसमें दो, मैं पहले बता देता हूँ, ये चीज पहले तो हो नहीं सकती है, जैसे मैजिक वगैरह होना, कोई भूमि उग जाना, ये सब चीजें जो हमारे तथ्य पे नहीं बैठती है, ये चीज नहीं हो सकती। और दूसरी तो चीज, ये इसके नहीं दो, नहीं 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 ये वेद में है लेट ना? मी कंप्लीट सर, ओके चलो वेदों में उसको ही छोड़ो। है जी। तो इसमें जो है, पहला तो ये है कि जैसे सर ने कहा प्रक्षिप्त होने के तो खैर चांसेस कम है, मगर मैं इन्हें ये मानता हूँ कि ये अलंकारित अतिशयोक्ति वे में लिखी गई है। इसकी जो इंटरपोलेशन है वो उस समय के जो अनुसार, एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, एक अलग व्याख्यान की जाती होगी, मगर आज के समय में इसका आप लिटरल सीधा सीधी मतलब, डॉट टू डॉट मतलब खोजिएगा तो ये आपको इररिलेवेंट लगेगा। बट आप ऑन दी बनाइए अदर यार, हैंड, कोई कोई सर उस अच्छा सा समय अर्थ आप मतलब, बना लीजिए। जैसे सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं दिल से सोचता हूँ, अब जाहिर सी बात है कि विज्ञान दिल में, तो दिल से कोई सोच नहीं सकता, जो होता है दिमाग से होता है। बट ऑन दी अदर दिल और हैंड, दिमाग अलग होते हैं। नहीं, वो छोड़ो, वो असल में क्या होगा, ये पलायनवाद है और ये मैं जानता हूँ। आप ये बताइए सर, ये जो लिखा हुआ है दिल दिमाग को छोड़ दीजिए, आप किसी भी फिलोसफी, कहते हैं ना हम चांद सा मुखड़ा, तो चांद सा मुखड़ा कोई होता नहीं है, ये एक ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। अब ये इसका अर्थ कैसे, मतलब इसका अर्थ तो निकाल के बताएं मुझे, कैसे भी निकालें, मतलब मुझे नहीं पता आप कैसे निकालेंगे, मुझे इसका अर्थ निकाल के बता दीजिए, फिर अर्पित जी के पास चलते हैं, काफी देर से। जी मैं इस पे एक ऑनेस्टली जवाब देता हूँ फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि जी मैं वेदों का कोई ज्ञानकार नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म को सीख रहा हूँ और अभी लर्निंग फेज में हूँ।
सो इसका मतलब समझाना, ये शायद आप अभी तो मैं नहीं बताऊंगा, नहीं कौन बता बता सकता पाऊंगा है, कौन बता सकता है? इसकी। आप पहली बात मैं बता देता हूँ इसे कैसे देखना है। जो गीता प्रेस गोरखपुर होती है, या चिन्मयानंद जी की होती है, सायण का भाष्य होता है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का भाष्य होता है, तो उनके जो भाष्य है, एक बार सबकी नैतिकता से सबकी भाष्य को पढ़ना है, दयानंद जी आर्य के भी भाष्य को समाजियों का, पढ़ना है। आर्य हाँ समाजियों का, हाँ आर्य समाजियों का भी इंक्लूडेड है, तो सबका पढ़ना है। सबका मगर मिलावट। जो ये गीता हाँ में कहा क्या, सबका ये मिलावट है, फिर आप पढ़ेंगे क्या उसमें ये अभी मैं जब आपको सबका बता ही रहा आपने, हूँ। गोरखपुर का ही ये गीता आपने सबका मिलावट ही जी बोल दिया सर, तो फिर क्या चलेगा कैसे, मतलब आप डिसाइड कैसे नहीं, करेंगे कि एक आप मिनट सही पढ़ सर, रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं? हो जी गया अमित क्या जी, सर इनका वेद वाला? हाँ हो गया। अमित जी का एक ले लेते हैं, कमेंट ले लेते हैं अमित जी, अर्पित जी का सॉरी, अर्पित उसके जी, बाद फिर हाँ अर्पित सर आप का ले अमित लो। जी। जी जी अर्पित जी, मेरे ख्याल से हम लोग डिस्कशन को लंबा खींच रहे हैं, और इस तरह से तो डिस्कशन मेरे ख्याल से महीनों तक भी चलता रहेगा। हाँ हम सीधे सीधे क्यों नहीं मुद्दे पर आ जाते हैं कि हम ये अगर आप ईश्वर में आस्था रखते हैं, अगर आप अपने ग्रंथों को ईश्वरीय मानते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि जो आपके ग्रंथ हैं वो बहुत पुराने हैं और उनमें जो कुछ लिखा है वो सच है, तो उन चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं ना हम लोग, क्योंकि हम लोग रैशनल हैं, हमें हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता के का कोई प्रमाण नहीं है अभी तक, कोई भी साबित कर नहीं पाया है, और जब वो साबित नहीं है तो कोई ग्रंथ ईश्वरीय कैसे हो सकता है, और कोई ग्रंथ अगर अगर आप ऐसा दावा करते हैं कि उसमें जो कुछ लिखा है वो सच ही है, तो फिर आप इन चीज़ों को साबित करें। अगर आप इन चीज़ों को साबित कर देते हैं तो हो सकता है कि हम भी इन चीज़ों पर विश्वास करने लगे, क्योंकि हमारे विश्वास न करने की वजह तो ये कि हमें इन चीज़ों का कोई प्रमाण आज तक मिला नहीं है, कोई भी हमने भी बहुत दिमाग खपाया, बहुत अध्ययन करा, क्योंकि हम भी पहले ऐसे ही थे, हम भी हमें भी लगता था कि हाँ शायद ईश्वर जैसी कोई शक्ति होती होगी, या मे भी कोई ग्रंथ ऐसा हो जिसमें कोई ऐसा दिव्य ज्ञान हो, तो वो सब धीरे धीरे हमने अध्ययन करा, हमें वो कुछ मिला नहीं। तो अगर आप ऐसा कुछ सिद्ध कर सकते हैं आज यहाँ यहाँ इस मंच पर, तो हो सकता है कि हमारे साथ साथ बहुत सारे लोगों का जो है मत परिवर्तन हो जाए, और या हो सकता है कि आपको कुछ जी नया सीखने को अर्पित मिले, मे भी आप कुछ यहाँ से नया जी, लेकर मैं एक जाए। चीज यहाँ एक चीज रखना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा था कि मैं आपकी भी बात सुनूंगा और अपनी भी बात कहूंगा, तो मैंने आपकी बात तो सुना ही। मैं चाहूंगा कि जो बुद्धिज्म का रैशनलिज्म वाला जो हमारा हमारे तरफ से हमारे तबके से जी जो क्वेश्चन था उसको भी आप एंटरटेन कर लीजिए, और हाँ दूसरा हाँ कि करेंगे, मैं करूंगा, प्रॉमिस है मेरा, दूसरा मैं कि करूंगा। जी एक प्राइवेट चैट में मैं एक मैं सही में कह रहा हूँ कि एक जन साइंस पे आपको कुछ बताना चाहते हैं, एंड ही लिटरली उनका साइंस पे कमांड है, जेसी हिंदू जी नाम है। आप चाहे तो हाँ उन्हें उनको साइंस लेते के हैं ना सर, परिप्रेक्ष्य में ले सकते हैं सर। जी, बिल्कुल सर बिल्कुल, सर थोड़ा उनको भी ले थोड़ा लेते थिंक। हैं। जी जी हाँ जी उनको भी बिल्कुल ले बिल्कुल लेते हैं। मैं बहुत आपसे बहुत बस एक चीज पूछना चाह रहा हूँ मैट्रिक्स क्लब जी, कृष्ण के बारे में आपकी क्या राय है? क्या उनको आप ईश्वर मानते हैं या ईश्वरी पुरुष ऐसा कुछ मानते हैं? सृष्टि का रचयिता नहीं कुछ भी, कृष्ण के बारे में क्या राय है आपकी? जी, कृष्ण जो है वो मैं मानता हूँ कि मेरा, देखिए मैं पहले ही अपने चैनल पे कहते रहता हूँ, मैं फिर इधर उल्लेख कर देता हूँ कि जो रीइन्फॉर्मेशन वाली चीज है उसको लेकर मैं स्केप्टिक हूँ, और उसको मैं एक तरह की मान्यता नहीं दे पाता रीइन्फॉर्मेशन जैसी चीजों को, क्योंकि आज के तथ्य पे ये खरी नहीं उतरती है। रीइनकार्नेशन, रीइन्फॉर्मेशन, या रीइनकार्नेशन यानी रीइनकार्नेशन, पुनर्जन्म, रीइनकार्नेशन, पुनर्जन्म वगैरह। रीइनकार्नेशन। दूसरी चीज नहीं मैं मैं कहूंगा पुनर्जन्म कि की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं आप कृष्ण को कैसे देखते हैं? क्या वो भगवान का अवतार है, क्या वो योगेश्वर योगी हैं, क्या वो बहुत लॉयल हैं, क्या वो बहुत ही महान हैं, व्यक्तित्व हैं, क्या हमें उनसे उनके जो चरित्र है उसका आचरण करना चाहिए, क्या वो रैशनल है? जी इस पर मैं एक जवाब देता हूँ। यहाँ पर आर्य समाज का मैं यहाँ सपोर्ट लेना चाहूँगा कि हाँ उन्होंने जो कृष्ण की परिभाषा बताई है मैं उससे अग्री करता हूँ कि कृष्ण जी जो लेकिन थे लेकिन एक आप बहुत तो आर्य अच्छे समाज की, वो पर्सनालिटी सर सर हुए। प्लीज, ओके हाँ हाँ क्या 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 सर, 60% ही मानता हूँ, मैंने ये कहा था, तो ये चीज़ है नहीं नहीं आर्य समाजियों का थर्टी क्या मानते हो आप? वो हम मानते हैं कि कृष्ण जी का जो था वो ऐसा नहीं था कि कोई मैजिक करे थे या कोई फैंटेसी गॉडली स्टोरीज हो रही थी, बट हम ये ठीक है सर, मानते हैं मेरी कि स्क्रीन वो शेयर कीजिएगा, ओके ओके मैंने दे दी आपको, जी, ये आर्य समाजियों के कृष्ण को मानते कह रहे ना?
ये देखिए सर, ये पुराणों के कृष्ण है, ये किताब है, आर्य समाजयोग किताब है, डॉक्टर श्री राम आर्य के लिखी हुई है, अमर स्वामी प्रकाशन विभाग से छपती है, मूल्य ₹5। पुराण को तो सर हमने प्लीज सुन लीजिए, वायरिश्विंग पुराण, पुराण तो कृष्ण और कहां मिलते हैं आपको, वेदों में क्या है, कृष्ण है वेदों में मिलते हैं आपको कृष्ण, और आपने अभी कहा मैं आर्य समाजियों की कृष्ण की परिभाषा मानता हूं, सबके सामने कहा आपने, तृतीय संस्करण नवंबर 2002 की छपी किताब है, तो भाई आर्य समाजियों की किताब मैं आपको दिखा रहा हूं, आर्य समाजी कृष्ण पर व्याभिचार का आरोप लगा रहे हैं ना आर्य समाजी लोग, क्या कह रहे हैं कि पुराण में गोपियों से कृष्ण का रमण करना, विष्णु पुराण अंश 5:13 में वे गोपियां अपने पति पिता और भाइयों के रोकने पर भी नहीं रुकती थी, वो रोज रात को वे रति यानी सेक्स विषय भोग की इच्छा रखने वाली कृष्ण के समान के साथ रमण भोग किया करती थी, कृष्ण भी अपनी किशोर अवस्था का मान करते हुए रात्रि के समय उनके साथ रमण किया करते थे, कृष्ण गोपियों के किस प्रकार रमण किया करते थे इसके लिए स्पष्ट प्रमाण देखिए, जो पुराण रचने वाले धूर्तों ने, आर्य समाज जी कह रहे हैं ना, धूर्तों ने कृष्ण को कलंकित करने को लिखे हैं, अर्थ कृष्ण कभी उनका शरीर अपने हाथों से स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, कभी मस्त होकर खुलकर हास विलास मजाक करते, जिस प्रकार बालक तन्मय होकर अपनी परछाई से खेलता है। क्या आप कृष्ण को व्याभिचारी मानते हैं? आर्य समाजी तो कह रहे हैं वही कृष्ण व्याभिचारी है जी, ये मैं तो नहीं ही मानता हूँ, और जो आपने किताब दिखाया है, आर्य समाजियों का मानता हूँ मैं, वो आपने किन ऑथर का दिखाया है? डॉक्टर श्री राम आर्य हैं, काफी बड़े ऑथर हैं आर्य समाज के, श्री राम आर्य का आपने पहले पुराण के कृष्ण, ये इनकी अपनी किताब है ना, अब मैं आपको उपेंद्र कुमार बागी की लिखी एक किताब है, मैं नाम नहीं कहूंगा, सत्यार्थ प्रकाश के विरोध में है, ये छपती आर्य समाज में, ये क्या है अमर स्वामी प्रकाशन विभाग, ये आर्य समाज में मिलती है किताब, बट मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कृष्ण जी की अच्छी चीज नहीं लिखी हुई है, ये चीज सत्य नहीं है, That's not true। मतलब आप बुरी, यार बुरी कैसी बात कर रहे हो, कभी आप बोल रहे हो आर्य समाजी कृष्ण को मानता हूँ, आर्य समाजी कृष्ण को व्याभिचारी बोल रहे हैं, तो आप उसको नहीं मानते? मैट्रिक्स जी देखिए, ये तो बात ऐसे ना, ऐसे तो कोई कहीं कहीं भी नहीं जाएगी बात, आप क्या कहते हैं, जो भी हम चीज दिखाते हैं आपको, कहते हैं मैं इसको नहीं मानता हूँ, मैं आर्य समाज को भी नहीं मानता हूँ, फिर आप कहते हैं कि मैं आर्य समाज को मानता हूँ, इस बारे में मतलब ऐसे कैसे कि आर्य समाज ने 10% तो बात सही लिख दी और 10% उसने गलत लिख दी, फिर 10% उसने सही लिख दी, फिर 10% उसने गलत लिख दी, यार उसने सारी गलत भी तो लिखी हो सकती है जी, ये चीज तो मैंने नहीं कहा था, ओवरव्यू में बता दूं कि हम आर्य समाजियों से 60-70% सही मानते, मतलब 60-70% अग्री करते, और कड़वा कड़वा थूथू ये क्यों जी, ये हमें भी पता है और ये हम नहीं करना चाहते, ये चीज वी डोंट वांट टू, चेरी पिकिंग हम भी नहीं करते हैं। हाँ, आप मानते हैं ना, आप मानते हैं कि यहाँ चैट में ना कुछ आर्य समाजी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मैं आधी आधी चीजें पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे वो लिखे हैं कि पुराणों में से, सर एक और आप शेयर कीजिए, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो उसमें लिखा है, देखिए सर आपके लिए नहीं, अमित जी एक सेकंड, आपके लिए नहीं, रुकिए ना, लो ये है भाई, देखिए किताब है शिवलिंग पूजा क्यों, आर्य समाजियों की लिखी किताब है, डॉक्टर श्रीराम आर्य हैं, जो मेरे को चैट में लिख रहे हैं ना उनके लिए बता दे रहा हूँ, ये जितनी आड़ी वाड़ी वाली कहानियां हैं वो सब यहीं से आती हैं, अमर स्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद है, इस किताब पर 3 बार मुकदमा हुआ और 3 बार जीत हुई है, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया है कि भगवान शंकर के जो भी अंट की संट बातें लिखी हुई है ना, उन सबको निकाल के यहाँ पे दिखा दिए, और ऊपर में लिखा है ये देखो भाई, डॉक्टर श्री राम आर्य लिख रहे हैं, इस ग्रंथ को लिखने का हमारा प्रयोजन किसी संप्रदाय विशेष पर चोट करना नहीं है, ठीक है, और वो पूरी की पूरी शिवलिंग का पूजा, ये देखो शिवलिंग पूजा वास्तव में शंकर व पार्वती के गुप्तांगों की ही पूजा है, यह हमने दर्जनों प्रमाणों के आधार पर इस ग्रंथ में साबित किया है, ये लगातार आर्य समाजी लोग जो हैं ये इस तरह की चीजों को सामने रख रहे हैं, आर्य समाजी भगवान कृष्ण को व्याभिचारी लिख रहे हैं, वो नीचे में जो कमेंट कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है ना उन्होंने कुछ पढ़ा है, इवन वो भगवान शंकर को भी व्याभिचारी लिखते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें उन्होंने भगवान शंकर के बारे में लिखी है, और ये साहब बोल रहे हैं कि मैं आर्य समाजियों की बातों को मानता हूं, तो भाई आप कृष्ण को वो व्याभिचारी बोल रहे हैं उसको नहीं मान रहे हो, लेकिन आप कहते हो कि मैं जवाब दे दूं, सर आपकी कसौटी क्या है, मतलब आप कहां से, कसौटी ही बताता हूं आपको जी, देखिए किताब का नाम है, जलेबी नहीं बनाऊंगा, किताब का नाम है पुराणों के कृष्ण, तो उसमें पुराण लिखा हुआ है,
महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पुराणों पर कितना उन्होंने कंडेम किया है, ये चीज भी हमें पता है। भगवान और शंकर वेद में आते हैं। जी, उनका जो शैविज्म जो मत है, इस पर मैं आपको कैसे समझाऊं, ये अच्छा, एज अ कृष्ण आते डायरेक्ट हैं फॉर्म में नहीं वेद दिखते हैं, में, कृष्ण आते हैं ये डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दिखते हैं। यार, पांच आप हजार क्या साल बात कर पहले रहे हो सर आप? मैं अच्छा नहीं चलो देखिए। जाने दो, इनको आता नहीं, इनका कोई दूसरा है तो इनका हाँ, उनको सीनियर ले को लेते बुला हैं। लो। देखिए हाँ मैट्रिक्स जी, हम आपका आपको समझ रहे हैं और आपका इंटेंशन भी हम समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बड़ी विनम्रता से हमारा साथ दिया और आप बने आप, रहेंगे हमारे हाँ विनम्रता से साथ। आपने आपको मैं बात एक साथी की, दे आपका धन्यवाद। हाँ हाँ आपको मैं एक साथी देना चाहता हूँ, जो कि जेसी हिंदू करके है। तो आप जी दोनों, थोड़ा सा आपको भी हौसला हो जाएगा। और हम्म, वैसे तो बोल एक एक ही रहा, हम में से कोई हम सब बोल नहीं रहे हैं। तो जेसी हिंदू जी, आप अपना माइक रेडी रखें, मैं आपको जोड़ने जा रहा हूँ। और एक सेकंड के लिए थोड़ा सा म्यूट पे रखें, क्योंकि मैं थोड़ी सुपर चैट पढ़ देता हूँ और काफ़ी देर से मैंने चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं बहुत दिया। से हो गए। हाँ, बहुत पीछे वरुण दिख जी से रहा। स्टार्ट हुआ शायद। वरुण जी लिखते हैं, जिंदगी का क्या मतलब है। अच्छा, ये हो गया था शायद। ये हो गया था। तब जो जी का भी शायद होगा। आपका शंकर, ये तो हो गया ना, ये सब या हो मैंने, गए अरे सर। यहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट है। महबूब अली खान जी, हाँ ठीक है, शुक्रिया आपका। और ये रहा वरुण जी का, अमित, चॉकलेट का शेप शिवलिंग जैसा क्यों होता है। हाँ अमित जी, आपके लिए वरुण जी का सवाल। क्योंकि शिवलिंग चॉकलेट होता है। निर्वाणा जी, बाबा साहब के संघर्षों से प्रेरणा लो साथी। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। दाह युग नारायण, ब्राह्मण धर्म है यह, सनातन नहीं है। हाँ, इस पर भी बात सही करेंगे बात। जी। वरुण जी, फोकेट मोहम्मद भी सनातनी था। हाँ, ये लिया था मैंने। ठीक वरुण जी, फिर से लिखते हैं, सनातनी लॉजिक, अमित तुम्हारी बीवी है मेरी भी बीवी है, क्योंकि हम दोनों की बीवी है, तुम्हारी बीवी मेरी बीवी यही लॉजिक है। है। यही लॉजिक होता है। शुक्रिया वरुण जी आपका। सूरज, इनसे पूछिए कि इनकी लाइफ में भगवान का क्या रोल है। जी जरूर पूछेंगे सर, हो सके तो इसका जवाब भी आप जरूर दे के जाएं। ओके, शिव बाबू अतिष्ठ लिखते हैं, ग्रेट वर्क, जय भीम, आप सभी को जी शुक्रिया। शिव बाबू जी, थैंक यू। हाँ जी, जेसी हिंदू हिंदू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्ट्रीम में। एक कोई और V9 स्पोर्ट्स है, इसको भी भेज देता हूँ सर मैं लिंक। आ जाओ भाई, हाँ, इनको भी कुछ शौक है बहुत। हाँ कोई बात नहीं, बुला लें बुला लें। देखिए पैनल थोड़ा बराबर का हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हेलो। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ जैसे जी, हिंदू जी कैसे हो? अब मैं कैसे बताऊँ आपको? देखिए, आप लोग झूठ बोल रहे हैं सफेद, मुझे अच्छा, थोड़ी आते ही पता के साथ, आते ही साथ आप ऐसा बोल दिए यार। हाँ, है। जैसे हिंदू जी ने नमस्ते देखिए, बोला, आए सलाम मैंने किया। मैंने कोशिश की जितना पोलाइटली बोल सकूं। देखिए, बुरा मत मानिए, ओके, बट नहीं झूठ मानते, बोल नहीं रहे हैं भाई। मानते, हमको नहीं, बोल रहे हो आप, साबित झूठ बोल रहे कीजिए, हो। चलो ठीक है, साबित पोलाइटली कीजिए आप बोल लो भाई, जी। मैं भी अब पोलाइटली दोनों बहुत सारी बात बोलूंगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं हाँ ऐसा ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ बोलिए। सर, क्योंकि ये जो गूदे वाला का आपको ऑब्सेशन है, ये सर बिल्कुल गलत है, निहायत ही गलत है। क्यों ऐसा हमें बोल रहे लिखा है, हैं? हम क्या करें भाई, हमें हमने नहीं नहीं लिखा है भाई, ये तो ये दयानंद जी ने लिखा है आप यजुर्वेद देखिए, भाष्य में। मैं भी फिर आपको एक ट्रांसलेशन दिखा देता हूँ, करेंगे आप स्क्रीन शेयर? हाँ बिल्कुल। यार आप एक दयानंद मिनट, जी को ये क्या जो मानते हैं? ट्रांसलेशन है मैं दयानंद का पढ़ता हूँ, आप किसका करो किसका नहीं करो, मेरे को उससे मतलब एक नहीं है। एक मेरे सेकंड, सामने में प्रकाश ये बोलो सरस्वती, दयानंद ने गलत बात करी है, ऐसा बोलो ना तो आप। नहीं, मैं कह हाँ, रहा हूँ कि किसी ने ट्रांसलेशन में झोलमेल की है, आपकी साइट गलत है। झोलमेल कहाँ भाई, मैं तो वेबसाइट दिखा रहा हूँ यार, आर्य समाजियों की वेबसाइट, नहीं, फिर से शेयर मैं कर आपको देता क्या हूँ। कह रहा हूँ, चलिए अरे आपने प्रूफ रखा, हम यजुर्वेद, एक प्रूफ में मैं रखता दुखा हूँ, देता लेकिन एक हूँ। लॉजिकली सोचिए सर कि क्यों वो गूदे में हाँ सांप डालना चाहता है।
एकदम से वो क्यों डालना चाहता है? अच्छा लॉजिकली बता दो क्यों डालना चाहता है। तो लॉजिकली मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, उसका ये मतलब है कि गूदे को उसने ब्लाइंड अंधे कुटिल सांप से कंपेयर किया, मतलब लार्ज इंटेस्टाइंस को उसने वॉर्म्स के शेप की बोली है और जी नहीं, एक मिनट सर, मेरी स्क्रीन नहीं, स्क्रीन शेयर कीजिए, आप डिसेक्शन किया था, स्क्रीन शेयर कीजिए सर। हाँ करिए करिए, ये देखो इसमें सीधा सीधा है, ये देखो भाई झोल यजुर्वेद, ये एक मिनट शांत रही प्लीज, यजुर्वेद यजुर्वेद भाष्यम स्वामी दयानंद संस्कृति, संस्कृत से उन्होंने भाष्य किया उन्होंने, और उसमें देखो भावार्थ क्या लिखा है, जिस जिस काम से जो जिस जिस से जो जो काम सिद्ध हो उस अंग से वो काम सिद्ध करना चाहिए, वो गूदे से ना सांप को डालने का सिद्ध करने की बात कर रहे हैं। आप नॉनसेंस चीज बोल रहे हैं, मैं आपको आपके में लिखा है, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, प्लीज सर प्लीज, जैसे हिंदू सर देखिए इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है, पंडित देवीचंद एमए ये क्या लिख रहे हैं, कैच ब्लाइंड सर्पेंट्स फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन्स। डॉक्टर सर हिंदी का अनुवाद करो, डॉक्टर सर हिंदी अनुवाद करो इसका, आप बोल लीजिए पहले। हाँ देखिए मैं जो मेरे ब्लाइंड सर्पेंट्स फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन्स, इसका हिंदी अनुवाद इसका हिंदी अनुवाद है, देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, अगर डॉक्टर सर को बोलने दो, डॉक्टर साहब बोलिए, लार्ज इंटेस्टाइन यानी के रेक्टम से लो। हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोले सर आप, और तो ये आप देखिए क्रूक्ड नहीं लेओ नहीं है सर, कंपेयर है, आपको catch, समझ ही नहीं आ रहा है, कैच ब्लाइंड सर लिखा है। अरे सुनो सुनो एक काम करो सर, देखो आप अगर रैशनल आगे में ना, आगे में क्या लिखा है, एक मिनट आगे में लिखा है आपको सर, जैसे हिंदू सर आगे में लिखा है सर्पेंट्स फ्रॉम एंट्रेल्स एंड सबड्यू देम, सर वो गलत है सर, ये नहीं ले लो, इसको ले लो लिखा है क्यों ले हो, क्यों ले होगा सर, वो सोचिए अपनी पूरी इज्जत मिटा देगा, अपनी इज्जत वो पूरी घुला देगा। मैं नहीं जानता क्यों लिखा है वेदों में ऐसा, मगर लिखा है, मैं लॉजिकल जवाब दे रहा हूँ सर, इसका ट्रांसलेशन गलत पड़ रहा है। एग्जामिन द स्ट्रेंथ ऑफ अ हॉर्स फ्रॉम हिज पीनस, ये देखो एग्जामिन द स्ट्रेंथ ऑफ अ हॉर्स फ्रॉम अ पीनस। इसमें तो मेरे को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है ना, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो, ये लिखा है। अच्छा देखिए इसमें ये चीज है सर, सर सुनिए, नाभि के नीचे पानी, नाभि के नीचे ब्लैडर होता है, ब्लैडर में पानी होता है, ये मतलब है सर उसका। अरे सर जी कैच ब्लाइंड सर्पेंट फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, ये बताइए, अरे सर इसका सेंस नहीं है ना, मेरे पास ट्रांसलेशन खुला है, उसका शक्ति को कैसे नापोगे, मतलब घोड़े की शक्ति नाप ली है। अमित जी मुझे एक लाइन बोलनी है, अमित जी जैसे हिंदू जी मुझे एक चीज बताइए आप, कि ये जो ट्रांसलेशन है यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है ये गलत है, लेकिन दयानंद सरस्वती जी ने ठीक लिखा था और यहाँ पे कुछ और गड़बड़ हो गई, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ मैं यही कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और भी ट्रांसलेशन खुले हुए हैं। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आप सीधा यही कहना चाह रहे हैं ना, खोल दीजिए ना, हम संस्कृत से करते हैं। ओके 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 ओके, मैं अभी आपको दयानंद सरस्वती जी का यजुर्वेद भाष्य दिखाता हूँ, बहुत पुराना। आपको आपको मेरे सोर्स खोलने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको पूरे दिन करना है ना सर, सर थोड़ी तो हिम्मत रखिए ना। अरे यार जैसे हम आपके सोर्स खोलेंगे लेकिन आप बोलो कि दयानंद सरस्वती जो बकवास लिखता है, ट्रांसलेशन आप बकवास लिखता है, ट्रांसलेशन हमें करनी है ना, हमें आती है संस्कृत। यार मैं कह रहा हूँ आप मेरे भी तो खोल लीजिए, क्या होता है, क्या जा रहा है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो ये बताइए, मेरी बात सुनेंगे आप, मेरी बात सुनेंगे सर आप, आपने कहा कि ये जो आज की ट्रांसलेशन है ये गलत है, मैं आपको पुरानी जर्जर किताब की ट्रांसलेशन दिखा रहा हूं। अरे सर आप नहीं सब सच, अपना रैशनलिटी हटा दीजिए नाम से, बोल दीजिए जो करना करिए, ये डिबेट है आप रैशनल जैसे, क्या मतलब मैं आपको जर्जर किताब दिखा रहा हूँ, पुरानी किताब दिखा रहा हूँ सर, मैं बहुत पुरानी किताब दिखा रहा हूँ, फिर मुझे मौका दीजिए आप दिखा लीजिए। हाँ आप ये बताइए कि जो हाल जो दयानंद सरस्वती जी ने अपने निकटतम समय में लिखी जिसका भाष्य किया उसे आप ऑथेंटिक मानते हैं, आज की वाली तो आपने रिजेक्ट कर दी जो अमित जी ने दिखाई, उसे ऑथेंटिक मानते हैं तो फिर ये लीजिए ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1.8 GB की है मेरे पास, ये पब्लिशर ने कर दिया हो, किसी ने प्रिंट वाले ने लिख दिया हो, क्यों क्यों मैं मानूं बहुत, तो आपका प्रिंट हम क्यों माने आपकी यार, हम किस बात के लिए माने आपकी, देखिए आप जो चीज देखिए मैं आपको बताता हूँ लॉजिकली अगर हम चलें सर, नहीं 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 बकवास है, धर्म ही बकवास है, आपकी कैसे सही हो गई फिर,
मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे ना मुझे, मैं दे पा रहा हूँ, आप नहीं दे पा रहे हैं। मैं आप मुझे बताइए, मेरा ये लॉजिक है कि इसमें एनाटॉमी बताई गई है, लाइक द अंधे ब्लाइंड वर्म्स टू द लार्ज सीधा बोलते हैं ना, मैंने डिसेक्ट करके देखा था वाटर्स टू आप मानते हैं कि दयानंद सरस्वती अज्ञानी थे, उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था, ये मानते हैं आप? नहीं, ये जिसने ये छेड़छाड़ की है, आप तो खाली प्रिंट जो छेड़छाड़ कहाँ है यार, वो तो उनका बात है। आप ऐसा बोल दो ना कि वो कुछ भी फालतू बात लिखा है तो फिर आगे चलेंगे हम, बात खत्म हो जाए, हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, नहीं नहीं सर, मैं ये कैसे मान लूँ, आप ये बताइए तो हम कैसे मान लें आपकी किताब में लिखा है, तो मानना पड़ेगा ना हमको, तो मानना पड़ेगा लिखा है तो। नहीं तो मैं भी लिखा हुआ दिखा रहा हूँ, आप कैसे मान लें कि वो मिला की नहीं है, आप इसी इतनी पुरानी किताब में दिखा। हाँ चलो आपका दिखा दो, चलो दो मिनट में आपका दिखा दो। अरे वो फर्जी किताब दिखाएंगे, देखिए मेरे भाई, मेरे भाई एक चीज देख लीजिए, आप एक चीज देख लीजिए, यजुर्वेद भाषा भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी। अरे सर, फॉन्ट एडिट करने में कितना टाइम लगता है सर, पब्लिशर की किताब यार, मैं तो सीधा वेबसाइट आर्य समाज की वेबसाइट से दिखा रहा हूं, ये फॉन्ट एडिट है, ये किताब हार्ड कवर है यार, ये कमाल है, इसमें आप एडिट करके दिखाएं, हार्ड कवर में एडिट करके दिखाएं इसमें। देखिए जब भी ये प्रिंट हुई है, हो सकता है पब्लिशर ने कुछ कर दिया हो, किसी कोई दूसरा लिख चल रहा हो, आप कोई क्रिश्चियन काम नहीं किसी को। अच्छा मैंने शेयर कर दिया, ओके देखो आप, मैं रैशनली बात करना चाहता हूँ, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने शेयर किया है, देखिए आप शेयर करिए। ओके 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 चले यार, चलो इनका दिखा दो, दयानंद जी को कुछ शौक होगा ना। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, ये सब सोडोम और गोमोरा के लोगों का काम है, ये यहाँ के लोगों का काम है, इंडिया में होता है। वैसे इसके अलावा भी बहुत कुछ है, दयानंद जी भी सोडोम गोमोरा घूम के आ गए होंगे, ये लीजिए, क्षेत्र में नहीं दी हुई है क्या, ये देखिए, ये मैंने इंटरनेट आर्काइव से ली है, ओके दिस इज नॉट माय साइट, ये तो इंग्लिश है भाई। हाँ तो आप पढ़ो तो एक बार यार, कौन से साल में एक बार पढ़ लो ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लो आप, रैशनलिस्ट को एक बार मेरा ये कब की लिखी गई है सर? हाँ ये कब की लिखी गई है? ये लिखी गई है सर 2011 सर, थोड़ा उसको वो करो ना, मैं आपको 70-80 साल पहले की किताब दिखा रहा हूँ, आपको कितने की लिखी हुई है, कहाँ पे? अरे सर आप ये देखो, आपका देखो ये बात है कि क्या ये एक्सप्लेनेशन आपको कुछ ज्यादा लॉजिकल नहीं लग रहा जो आप मुझे ऑफर कर रहे हो उससे? एक मिनट रुको, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, थोड़ा जूम करो इसमें अंधा कुटिल सामने वॉर्म लिखा है, वॉर्म, ये देखो ब्लाइंड वॉर्म टू कंपेयर देखो इसमें कंपेयर है सर, आप नहीं, सर आप ऐसी बातें ना करो यार, आप तो आपको नरिशमेंट क्लोजली, आप थोड़ा ज़ूम कर दो प्लीज, थोड़ा सा ज़ूम करो, सब देखेंगे, ज़ूम करो सब देखेंगे, थोड़ा इधर लाओ आप पेज को। हाँ अच्छा रुको, आप थोड़ा सा यार पोएट्री फॉर्म में इसको समझना, सर नहीं इसमें कंपेयर वर्ड नहीं है प्लीज, जैसे हिंदू सर प्लीज, आप इतना अच्छे से हमेशा बात करते हो, पता नहीं क्या हो गया आपको, प्लीज मैं पढ़ रहा हूँ ना, द नरिशमेंट इज क्लोजली रिलेटेड टू रेक्टम, मतलब क्या बोल रहे हैं भाई सुनिए, अब देखो हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा हूं, अगर गलत हुआ तो रोक देना, नरिशमेंट जो होती है ना वो रेक्टम यानी पिछवाड़े से बड़ी ही क्लोजली रिलेटेड है, उससे एकदम सीधा सीधा उसका संपर्क है, मतलब समझ लो आप, ब्लाइंड वॉर्म टू द लार्ज इंटेस्टाइन, नॉट इन सर, नॉट इन मतलब कंपेयर कर रहा है, ब्लाइंड वॉर्म एज लार्ज सर, ये ऐसे ही लिखा है सर, और सर प्लीज पूरा पढ़ने दो, ब्लाइंड वॉर्म टू द लार्ज इंटेस्टाइन, राउंड वॉर्म टू एंट्रेल्स, द हुक वॉर्म टू गट्स, द वॉटर टू ब्लैडर, द स्पर्म टू टेस्टिकल, द सेक्सुअल पावर टू पीनस, द ऑफ स्प्रिंग टू सीमन, द बाइल टू फूड, फिशर टू द एनस एंड द स्टूल्स टू द कॉन्स्टिपेशन, तो भाई ब्लाइंड वॉर्म टू लार्ज इंटेस्टाइन, आप ऐसी बातें मत करो यार, थोड़ी पोएट्री समझो ना,
यार अब आप पोएट्री में आ गए, पोएट्री देखो मैं आपको आगे पीछे का भी करके दिखा रहा हूँ, आगे पीछे करके दिखा रहा हूँ। देखो द चेस बिलोंग्स टू द लॉर्ड, बेली टू द इटर्निटी, इसका ये मतलब नहीं कि बेली को इटर्निटी में घुसेड़ने को कह रहा है, ये कंपैरिजन नहीं है। इसका फर्स्ट पेज दिखाइए सर, इसका इस बुक का फर्स्ट पेज दिखा दीजिए। जैसी हिंदू जी यार वो जैसी हिंदू जी, जैसी हिंदू जी प्लीज आप इसका फर्स्ट पेज दिखा दीजिए एक बार। किसका फर्स्ट पेज? फर्स्ट पेज पे आ जाइए एक बार, फर्स्ट पेज पे। देखो आप ये समझो कि इसमें बहुत चीजें डाली गई, जैसे द एयर इज क्लोजली रिलेटेड टू द इन ब्रेथ, द टू नॉस्ट्रिल्स टू द आउट ब्रेथ, द कंट्रोलिंग पावर टू द लोअर लिप। इस तरह इन्होंने प्रे में बहुत सारे एग्जांपल्स कंपेयर किए हर चीज के सर, ये कोई डालने को नहीं से अंदर सा नहीं, नहीं, आपने ब्लंडर कर रहे हैं आप लोग, इतना ट्रांसलेशन गलत मत पढ़िए। नरिशमेंट इज क्लोजली रिलेटेड टू रेक्टम और उसके बाद आए ब्लाइंड वॉर्म टू लार्ज इंटेस्टाइन। भाई वो अंधा गुटिल सांप नहीं, अंधा केचुआ की बात। अरे ये डाउनलोड कर रही है, इसमें तो और बहुत खतरनाक बटक बटक सब लिखा है यार। ओके ओके, इसको मैं कर लेता हूँ, इसको भी मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, चले सर। जैसी हिंदू जी, एक हम इस विषय पे काफी समय ले चुके हैं। देखिए आप एक आप समझ गए कि मेरी थोड़ा लॉजिकल बेटर है कि नहीं आपके उससे। अरे सुनिए सुनिए, अरे खतरनाक है और इसमें तो कितना और, गंदा और है। अच्छा ये जो प्रिंट है इसका थोड़ा पोएट्री आपको नहीं समझ आती तो मैं समझ सकता हूँ। पोएट्री? अरे अच्छा ये विषय पे कोई पोएट्री करता है क्या? डॉक्टर ने भी यार सर ऐसे ही करते हैं यार, अंग्रेज भी तारीफ करके गए हैं तो आप तो ऐसी बातें मत करिए सर। पोएट्री में पिछवाड़े में केंचुआ क्यों डालना है, मतलब ये कोई पोएट्री है क्या? अच्छा इसका एक बार मेरे को आपकी इंटेस्टाइन का शेप कैसा है, आपकी इंटेस्टाइन का शेप कैसा है बताइए सर। मुझे क्या पता, फ्रंट पेज एनाटॉमी पढ़ी। अरे रुको रुको रुको, फ्रंट पेज हां, यजुर्वेद संहिता वैश क्या है भाई, वज्र से मध्य निदान शुक्ला ऐसे कुछ है हाँ, और ये सत्य प्रकाश सरस्वती की है और ये रीजनेबल मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ, सुन लीजिए ये इसका मतलब, एक मिनट रुक जाओ भाई, नहीं नहीं मैं इनको दयानंद का भाष्य दिखा रहा हूँ जिसको हिंदू धर्म में इतना माना जाता है, उसके भाष्य को आप रिजेक्ट कर दिए। अरे ये खतरनाक है क्योंकि वो गलत है। आगे से वो किसी ने छेड़छाड़ बताइए अमित तिवारी सर, सिंपल क्वेश्चन देखिए ये है कि क्या आप मानते हैं कि एक ऋषि जो है वो अपनी इज्जत ऐसे मिटा देगा, ये लिख के उसे क्या मिल रहा है उसमें क्या? वो राम के पास भी चले गए थे। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आते में भी, अरे नहीं 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 डॉक्टर साहब ऐसी नहीं, दयानंद सरस्वती को के भाष्य को आप उंगली नहीं उठा सकते यार। आपने ये कौन है भाई? मैं नहीं उठा रहा हूँ, ये ट्रांसलेटर आर्य समाजियों के लिए जो दयानंद सरस्वती के शब्द है वो पत्थर की लकीर है, ठीक है। और मैंने सबसे पुरानी किताब आपको दिखाई है और मैं ये देख तारीख भी आप पढ़ लीजिए किस तारीख की है ये। और एनीवे सर लेट्स अग्री टू डिसएग्री बिकॉज़ मेरे को तो ये बेटर लगा है। देयर इज नथिंग, आपको बेटर लगा? देखिए आपको बेटर इसलिए लगेगा क्योंकि इसके अंदर से गंदगी निकाल दी गई है। और आप मुझे रीजन दीजिए कि वो गंदगी क्यों लिख रहे हैं ऐसा लिखने का? गंदगी मैं बताता हूं, मैं बता रहा हूं, मैं भी नहीं लिखा है। मैं बताओ मेरे को, सांप डालोगे? अब कौन डालता है आदमी, कोई डाल सकता है? जिसको फिशर होते बड़े बड़े अजीब थे यार, ऋषियों के सोप पर दयानंद जी डालते थे। नहीं नहीं नहीं, ये आपका अजम्पशन है ना, आप दयानंद जी डालते थे। अरे ये गढ़रियों के गीत हैं, वेद पुराण जो भी हैं, आप इसके नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और इतने टाइम से इनके अंदर ये है वो है, खोल के पढ़ ले कोई तो पता लगे इनके अंदर क्या क्या है। स्तुतियों के अलावा वेदों के अंदर कुछ भी नहीं है, स्त्रियों की निंदा और सेक्स और बलि, इसके सिवा कुछ भी नहीं है सर। ये आपकी लेवल है ना, इंटेलेक्चुअल लेवल आपका इतना ही है सर। आप सुन तो लीजिए, लेवल हम बता रहे हैं ना आपका, हम लेवल बता रहे हैं अभी। ये फिशर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल समझ आ गया सर, ट्रांसलेशन नहीं होती आपसे, सिंपल स्क्रीन लेके बैठ जाते हैं। अच्छा यार ये देखो एक मिनट सर, सर ये जो मेरी स्क्रीन है इसको शेयर कीजिए। देखो देखो आपके जो साइंस जर्नी है वो यूनेस्को को नहीं मानते, प्यू रिसर्च को खारिज कर चुके हैं। नहीं नहीं एक मिनट, साइंस जर्नी सर यहाँ पे नहीं, आप उनके बारे में बोलो, जब वो रहेंगे वो उनके बारे में आप बात कर सकते हैं। अमित तिवारी सर जी मुझे पता है, एक मिनट आप नहीं, फिर आप नहीं कूद सकते सर, मेरी स्क्रीन शेयर कर दीजिए प्लीज, आप नहीं कूदोगे। ये देखो भाई ये तो इंग्लिश का ट्रांसलेशन दिखा है ना, उसमें तो संस्कृत था ही नहीं, ठीक है।
अब ये देखिए, यही अध्याय 25 मंत्र 7 दयानंद सरस्वती, हे मनुष्यो, यहां से आ रहे ना, देखो सब आ रहे, पूषणम यानी पुष्टिकरम, वनिष्ठुना याचनेन, अंधहीन अंधान सर्पान आ गया भाई, अंधा सांप, स्थूल गुदाया, बड़ा वाला जो गुदा है, सर्पान, रुको रुको सर, रुको रुको, स्थूलाया गुदया सह सर्पान गुधाभी गृहित यानी विशेषण, कुटिलान आंतरे, कुटिल भी आ गया आंतरे, ठीक है, अप जलानी वस्तीना वृषणम यानी वीर धारण, आंडाभ्याम यानी आंड अंडकोश भी आ गया, यार ये तो पूरा एक एक वर्ड का संस्कृत का एज इट इज ट्रांसलेशन किया गया है, ठीक है, तो आप ये बात को तो नहीं बोल सकते यार, चलिए आगे बढ़ते, आप आगे गलत बात कर रहे हैं, एक और बात बताइए, ये देखो आप उनके लॉजिक से चलता हूं सर, आंडव से, अच्छा घोड़े को लिंग से, वीर से, संतान को पित्त से, भोजनों को, ये देखो भाई सब आ गया ना, मांग रहे तुम वनिष्ठना, तुम मांगने से पुष्टि करने वाले, स्थूल गुदे, स्थूल गुदेन्द्री के साथ वर्तमान, निरंतर लेव, इसका निरंतर लेते रहो, अंदर अंदर लेते रहो, लिखे वो उसको लेना है, अंदर लेना है, और आपको चलो मैं एक और भी चीज दिखा देता हूँ, रुको सर, वो जो अंधा कुटिल सांप है उसको भी खो जाऊं मैं, वो भी दिखा देता हूँ, वो ऐसे ही नहीं है कोई ब्राह्मण, ठीक है ठीक है, दिखा दे फिर, दिखा दे जल्दी, मैं भाई सब खोज लियो आपको, अच्छा तब तक मैं इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इट इज अ डेड एंड, ये तो हाँ ओके ओके, जैसी हिंदू जी अब थोड़ा कंक्लूजन पे बात कर लेते हैं, देखिए अच्छा ठीक है, मैं मेरे को आपसे सवाल पूछना है, आप लोग रैशनलिस्ट हो बहुत जानते हो, रुकिए 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 सर, रैशनलिस्ट पे भी हम आएंगे, मैं आपसे एक कंक्लूजन जानना चाहता हूँ, इतनी देर हमने चर्चा की, अगर इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है अभी तक तो फिर आगे चर्चा करने का भी कुछ मतलब नहीं बनता, इसी हिसाब से हम फिर आगे चलेंगे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, सांप आ गया है सर यहाँ स्क्रीन शेयर, चलिए इसे निपटा दें, ये देखो इंडो टाइफ्लॉप्स ब्राह्मिनस कॉमनली नेन एज ब्राह्मणी ब्लाइंड स्नेक, समझे, और ये देखो द स्पेसीज इज पार्थोजेनेटिक एंड All known species have been female. The specific name is Latinized form of word Brahmin. अब देखो Brahmin है ना, तो वो कुटिल भी होगा ना, कुटिल भी है। ये देखो अंधा कुटिल सांप ऐसा दिखता है। ये अंधा सांप अंधा कुटिल सांप। ये देखो अंधा कुटिल सांप। तो सर इसको डालेगा क्या वो, आप खुद थोड़ा सा तो सोचो ना, दयानंद जी डालते थे ना, अरे सर हम नहीं, हम तो कह रहे हैं कि उसमें वो बहुत इमोशनल बात है, नाभि पानी का मतलब ब्लैडर सर तक डालना है, हम मानते हैं, हम आपकी बात मान रहे हैं कि ये बकवास है, ये बकवास है, लेकिन ये बकवास देखिए करो, उनको बवासीर भी हो गया था, नहीं नहीं अरे इसलिए तो डाल रहे थे ना, वो बवासीर में और डालता है आदमी, तो ये डाल डाल के बवासीर हो गया था, चलो नहीं नहीं अमित जी अमित जी अमित जी अमित जी नहीं नहीं इस तरह से नहीं, अरे सही बात बता रहा हूँ सर, अरे सही बात बोल रहे हैं ये मेडिकली, और नाभि में क्या, नाभि में पानी डालते थे, नाभि में पानी डालते थे सर अमित तिवारी, यही तो करते थे, क्या बोलूं यार मैं, नाभि में तेल भी डालते हैं, आपकी बातों का सेंस नहीं बन रहा है ना, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं यार, आप मानते ही नहीं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, देखिए देखिए जैसी हिंदू जी, अभी क्या हुआ कि आपको मैंने बहुत पुरानी ट्रांसलेशन दिखाई, भाष्य दिखाया सरस्वती जी का, तो आपने कहा कि ये प्रिंटिंग की दिक्कत है, नहीं ये किसी ने छेड़छाड़ कर दी इसके साथ, जबकि वो मैंने हार्ड कवर दिखाया था, हार्ड कवर की फोटो खींच खींच के बनाई है, 1.8 GB की ये फाइल है, बड़ी मुश्किल से मुझे मिली थी, और मैं ढूंढता हूँ पुरानी किताबें, आजकल तो देखिए हम आप कहते हैं कि आज किसी ने की 2015 की आपने दिखाई या 2011 की दिखाई, उसे आप सही मानते हैं, ऑथेंटिक किसे कहा जाता है, मैं इसलिए सही नहीं मानता हूं, क्योंकि वो नॉनसेंसिकल बात है और ऐसा लिख ही नहीं सकते ना वो, ये बात मैं आपकी मान गया, नॉनसेंस, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, तो हम कहते हैं अज्ञानी है सरस्वती जी, अज्ञानी है, यही तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई भी आदमी कितना भी अज्ञानी हो, अपनी बात सही है, आपको एक बात बताऊं, आपको बर्बाद करने का कोई आदमी ही लिख कर बताओ, आप वेदों में अज्ञान है यही साबित करना चाह रहा था मैं, बस आप मान लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो ट्रांसलेशन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन आ तो जैसे सांप दिखाया ना भाई, मैं भी तो
इंग्लिश का एनीवे चलिए आप इसको आप देख लीजिएगा, देखिए आपको इसमें करना है इन्वेस्ट टाइम करते रहिए, बट आप नहीं, गलत नहीं, दिखा नहीं, करना है भाई, मैं तो हो गया बस मेरा, मैं तो अंधा कुटिल साहब भी दिखा दिया मैं तो। हम तो रोज ही यही करते हैं। हाँ चलिए और दूसरा मैं आपसे अब ये पूछना चाहता हूँ सर, ये तो हो गया कि आप लोग क्या। हाँ मैं बिल्कुल अब जल्दी जल्दी निपटाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। राम कृष्ण हनुमान गणेश वास्तव में थे तो उनका जन्म कैसे हुआ? ठीक है सर, मेरा ये सवाल है और मैं कहते हैं मैं अब मैं भी तो एक सवाल कर लूं, आप तो बहुत सवाल करते हो। हाँ कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि क्या क्या रीबर्थ होता है? बिल्कुल नहीं होता, नहीं होता। और कर्म कर्म का सिद्धांत होता है? आप आपके हिसाब से होता है रिबर्थ, आपके हिसाब से रिबर्थ होता है तो दे दीजिए ना सवाल, इतना क्यों आप वो कर रहे हैं? नहीं होता ना यार, बोल दिए कहां से होगा रिबर्थ। मैं तो पूछ रहा था कि आप बुद्धिज्म से तो बाहर हो गए सर। हाँ तो मैं तो हुई नहीं बुद्धिज्म में, तो क्या बात कर रहे हो? मैं तो एक्चुअली ये मेरे हम बुद्धिस्ट नहीं है भाई, ठीक है आप बुद्धिस्ट नहीं है, मैं तो हुई क्या बात कर रहे हो भाई, इतनी देर से आप इसलिए ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं? अरे यार ये पहले पूछ लेते आप। बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि अब बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही कहा था कि बुद्धा तो मानते थे कर्म और रीबर्थ को। कहाँ लिखे, कहाँ कहाँ? मेरे पास पीडीएफ है, शेयर कर दूं? हाँ, कर दो कर दो कर दीजिए कर दीजिए। यार वो ये वाली बात को आपको साईं सर नहीं सर वहाँ डिबंक कर चुके हैं ना ऑलरेडी यार, अब वही वही बात को यहाँ पे आप पूछ रहे हो। मैं भी देखा था वाली स्ट्रीम आपकी, कौन सी यही बात जो आप उद्धय नहीं धर्म आप आए थे, आपको उन्होंने अच्छे ढंग से समझा दिया था भाई। देखिए अब मैं यही बोल रहा हूँ, आप क्लियर करिए ना अपने ऑडियंस को, बताइए कि हम क्लियर कर दिया। मैं रिबर्थ को नहीं मानता, इसकी बाउंड्री कहाँ पर है? आप साइंटिस्ट हैं, आपको जरूर जवाब आपके पास। साइंटिस्ट किसने कहा हम साइंटिस्ट? कोई भी बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री नहीं है, जितनी देखिए। देखिए मैं आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ आया हूँ कि आप जवाब देंगे, मैं रिलीजन छोड़ दूंगा, आप मुझे बताइए। आप प्लीज मत छोड़ो, आप बार बार आओ, क्योंकि आपके कारण बहुत सारे लोग, जब आप और मैं बात करते हैं बहुत सारे लोग रीजन छोड़ते हैं। आप छोड़ दोगे तो फिर मेरा तो खत्म हो जाएगा यार, दुकान ही बंद करना पड़ेगा। बताइए ना सर, बाउंड्री ऑफ यूनिवर्स कहाँ है बताइए मुझे, मैं अभी तक किसी को पता नहीं है। जेम्स वेब बताएगा। अच्छा अच्छा अर्पित जी, अर्पित जी से बात करते हैं। जैसी हिंदू जी, देखिए आपने कहा बाउंड्री कहाँ पर है, बहुत सारे, मैं तो बाउंड्री की बात अलग, एक अलग है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी जिसका जवाब साइंस के पास नहीं है, बट उससे क्या फर्क पड़ता है? ओके देन, अगर आपके पास एक प्रॉपर जवाब नहीं है तो चलिए वो करते हैं, थ्योरी बनाते हैं ना, दो थ्योरी हो सकती है मेरे ख्याल में। अरे सर, यूनिवर्स की बाउंड्री नहीं है फिजिकल सेंस में। अच्छा एक एक चीज, हाँ, एक चीज बताइए, देखिए देखिए जैसी हिंदू जी, आपने इतना समय लिया और हमने फटाक से 2 सेकंड में जवाब दे दिया, आपको इतना टाइम लगा, ठीक है, और हमने फटाक से 2 सेकंड में जवाब दे दिया, ठीक है। अब हम जैसी हिंदू, आप रिवर्थ को मानते हो? मैं रिवर्थ को मानता हूं, कर्मा को मानता हूं। अच्छा मतलब आप रीबर्थ को मानते हो? सुनो yes. तो कृष्ण ने गीता में ये बात की है जो रीबर्थ होता है उसकी, आप ये मानते हो ना? हाँ। आप पिछले जन्म में क्या थे? सर पिछले जन्म में मैं इस दुनिया में भी हो सकता हूँ, किसी और प्लेनेट पे भी हो सकता हूँ, किसी और डायमेंशन में भी हो सकता हूँ। नहीं नहीं, क्या थे भाई, थे क्या? याद आ रहा है क्या? मुझे नहीं पता सर। तो जब आपको पता नहीं तो मानते कैसे हो? वो नॉलेज, क्योंकि सर मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि जैसे एक यूनिवर्स में लॉ ऑफ कन्वर्जेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, तो क्या है? नहीं नहीं नहीं, क्या चीज है वो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डिफाइन करो आप मेरे लिए। अगर मैं कह रहा हूँ एक कोई चीज जो है बैलेंस में रहती है चार्ज, अगर कहीं से कहीं नेगेटिव आ गया तो दूसरी जगह पॉजिटिव होगा। क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए आप अपनी बात करो भाई। तो मैं यही कह रहा हूँ कि वी लिव इन अ क्लोज्ड यूनिवर्स, क्लोज्ड यूनिवर्स में रह रहे हैं ना हम, क्लोज्ड सिस्टम में। एक मिनट, आप अपनी बात करो, पिछले जन्म में क्या थे, यूनिवर्स को भूल जाओ, और लॉ आप मेरे पे मत फेंको क्योंकि मेरे को आता है। हाँ तो सर मैं ये आप समझिए ना, पिछले जन्म में क्या थे, हर चीज कंसर्व होगी ना सर। नहीं मैं ये चीज हमें ज्ञान नहीं रहता है क्योंकि जब आदमी मरता है तो उसकी जो ये मेमोरी, माने कैसे
क्योंकि मैंने कहा क्योंकि अभी हम कंजर्वेशन ऑफ मास और चार्ज की बात करते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ मास किसके लिए है, किसके लिए है? क्लोज्ड आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो हम एक क्लोज्ड यूनिवर्स में नहीं है अमित तिवारी जी? आप एक मिनट, आप क्लोज्ड आइसोलेटेड, एक मिनट, आप खुद को, मैं पूरे यूनिवर्स को करता हूं कंसीडर ना, थर्मोडायनेमिक सिस्टम समझ रहे हो आप? पूरे यूनिवर्स को मैं समझ रहा हूं ना, क्लोज सिस्टम आपकी बात हो रही है भाई, मैं यूनिवर्स के रिवर्स बात आपकी हो रही है, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपके रिवर्स की बात हो रही है ना। तो सर वही मैं कह रहा हूं कि ये मैं यूनिवर्स में हूं कि नहीं? अरे आप यूनिवर्स में हो क्या? आप एक क्लोज सिस्टम हो? एक इलेक्ट्रॉनिक सिंगल एंटिटी है ना, वैसे ही मैं भी कॉन्शियसनेस की एक सिंगल एंटिटी हूँ। ये बात कैसे पता चल रही है आपको? मैं थ्योराइज कर रहा हूँ क्योंकि आप जवाब नहीं दे पा रहे ना मुझे, दीजिए मैं अभी छोड़ दूंगा। एक मिनट, थ्योराइज आप कर रहे हो, जवाब मैं दूंगा। मान आप कोई चीज कर रहे हो उसका जवाब मैं दूं आपको, पर मैं नहीं कर रहा हूँ। आप अपना आधार बताओ। हजारों साल से लोग कर रहे हैं, हजारों साल से लोग कर रहे हैं। एक बात बताओ, कृष्ण ने जो गीता में पुनर्जन्म की बात की है वो किस आधार पे की है? किस आधार पे की है? हाँ बताए, बताओ ना। उन्होंने मतलब उन्होंने यही ये थ्योरी वहीं से आई है ऑब्वियसली। ओ मतलब कृष्ण को ये थ्योरी पता थी? हाँ तो कृष्ण एक हायर फॉर्म ऑफ लाइफ हो सकते हैं ना, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकते हैं। कृष्ण को पता थी ना थ्योरी, याली थ्योरी कृष्ण को पता थी? हाँ तो भैया घंटोल जैसे क्यों बैठे थे, पूरी दुनिया क्यों नहीं बता दिए? नहीं तो बताए ना, गीता में क्यों नहीं लिख दिए? नहीं तो लिखे ना, लिखे थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन कर देना था ना, क्या होता है थर्मोडायनेमिक, शेयर करें गीता शेयर करें। अरे तो सर उन्होंने इससे ज्यादा क्लियर वो आपको क्या बताएं, और क्या जितना फॉर्मूला लिख देते आइंस्टाइन जैसा E इज इक्वल टू MC स्क्वायर जैसा कुछ लिख देते, उससे उससे क्या हो जाता सर, उससे क्या हो जाता रियलिटी यही है। मतलब यार कृष्ण को इसी लॉ से पता चला, आप बोल रहे हो ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक मिनट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ से कृष्ण को ही पता चला, इसका मतलब कृष्ण को इस बात की जानकारी थी। हाँ कृष्ण उसी कॉन्शियसनेस का पार्ट है, उनको तो ये देख रहे हो सर, ये तो कॉन्शियसनेस, तो कभी रिलीजन मत छोड़ना भाई प्लीज। अरे अमित तिवारी सर, मैं ऐसा कुछ गलत तो मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, आप पता नहीं क्यों एनर्जी का लॉ पता था आप ये बोल रहे हो। इलॉजिकल है सर। सर कृष्ण को हम क्या मानते हैं आप देखिए, कृष्ण को पहले समझ लीजिए, हम क्या मानते हैं, कॉस्मिक कॉस्मिक एनर्जी का एक छोटा सा अंश जो अर्थ पे आए थे। कॉस्मिक एनर्जी का मतलब वो धरती पे नहीं था, जो मतलब कोई व्यक्ति नहीं था, जो विष्णु भगवान है वो। अच्छा वर्ण व्यवस्था को भी तो स्थापित किया था कृष्ण ने पुनर्जन्म से, वर्ण व्यवस्था भी स्थापित किया था। नहीं अंबेडकर जी तो ऐसा नहीं कहते, अमित तिवारी जी आपने अंबेडकर नहीं पढ़ा क्या? अंबेडकर तो छोड़िए आप, देखो ना क्या कर रहे हो यार, आप चलते हैं पहले कम हुई ना, अगर कृष्ण पे बात कर लेते हैं, कृष्ण पे बात कर लेते हैं, कृष्ण गीता पे बात करते हैं। हाँ बताएं। हाँ तो कृष्ण एक हायर कॉस्मिक पावर के एक अंश थे जो अर्थ पे उन्होंने रूप लिया था। ये कहाँ पे लिखा, ये कहाँ पे लिखा, ये कहाँ से पता चला? अरे सर विष्णु का कितने रूप होते हैं आपको नहीं पता? कहाँ से पता चला सर? ये इस थ्योरी का सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है आपकी, इस चीज के बारे में आपको कैसे ज्ञात हुआ कि वो एक एनर्जी से जाते हैं? एक चीज और बताइए, हायर कॉस्मिक एनर्जी क्या चीज होती है, ये क्या चीज है? जी हाँ तो ये सर ये तो आपको जानना चाहिए, तो हर हिंदू को जान पता है, ये तो आप किससे भी पूछ सकते हैं कि विष्णु, हर एक हिंदू को पता है, आप हिंदू हैं सर आप बता दीजिए। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना कि देखिए जैसे अर्जुन ने बैटल फील्ड में थे, उनसे कृष्ण से मिले थे, तो कृष्ण जी ने उनको एक दिव्य अवतार दिखाया था अपना, जो कि महाविष्णु अवतार, दैट इज द कॉस्मिक ऑर्डर। कैसे दिखाया था, किस किस प्रिंसिपल से दिखाया था? उन्होंने दिव्य दृष्टि दी थी, दिव्य दृष्टि दी थी अर्जुन, दिव्य दृष्टि कुछ आप दिव्य दृष्टि आपने फिर एक एलिमेंट ऐसा डाल दिया कि अब उसको डिफाइन करना पड़ेगा, आप वो बताओ ना हायर कॉस्मिक क्या चीज होती है सर? हायर कॉस्मिक मतलब हमसे जो ज्यादा, देखिए सुनिए, हमसे कम लोअर कॉन्शियस बीइंग्स हैं क्या, कुत्ते गाय हैं कि नहीं? हमसे ज्यादा हैं ना? हाँ तो हमसे ऊपर नहीं होंगे क्या इस पूरे यूनिवर्स में? आपको तो ये और मानना चाहिए, इतना बड़ा यूनिवर्स है और कोई कैसे आप बताइए ना, किसने देखा सर? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकते पे आप कमाल है, दावा इतना कर रहे हैं हो सकते पे? अरे नहीं हो सकते,
सुपर कॉन्शियस बीइंग का देख लेते हैं ना भाई, देखिए भागवत से पढ़ूंगा ना। श्री कृष्ण जी मथुरा गए, बलराम जी उनके साथ थे मथुरा में राजमार्ग पर। उन्होंने कुबड़ी युवती को देखा, उसका मुख सुंदर था मगर उसका शरीर टेढ़ा था। कृष्ण ने उससे पूछा तू कौन है? उसने उत्तर दिया मैं कुब्जा नाम की स्त्री हूँ, कंस को अंगराग ले जाती हूँ। कृष्ण की बातों से वह उन पर काम मुग्ध हो गई। भागवत की कहानी ना कृष्ण। और उसने कहा कि अर्थ कृष्ण के रूप सुकुमारता रसिकता हास्य एवं चिंतन से वह उनके ऊपर अनुरुक्त हो गई, उसने उससे अपना अंगराग उनको दे दिया। आगे है भाई कृष्ण ने, अब उसके बाद में क्या हो रहा है ना, इसके बाद श्री कृष्ण ने उसके यहाँ पे अर्थ आ रहा है भागवत के 10:42 में। श्री कृष्ण ने अपने पैरों से कुब्जा के दोनों पैर के पंजे दबा लिए और हाथ ऊंचे करके दो उंगलियां उसकी ठोड़ी में लगाई तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया। उचकाते ही उसका अंग सीधा एक सा हो गया। सुपर कॉन्सियसनेस कृष्ण की कृपा से वह तत्काल एक विशाल नितंब तथा उठे हुए पयोधार स्तनों वाली सुंदर युवती बन गई। उसी क्षण वह रूप गुण तथा उदारता से युक्त हो गई। उसके मन में श्री कृष्ण से मिलने की कामाग्नि जाग उठी। उसने उनके दुपट्टे को पकड़कर खींचते हुए कहा वीर मेरे घर चलो, तुमने मेरे दिल को मत डाला, अब मैं तुमको नहीं छोड़ सकती। कृष्ण ने कहा सुंदरी मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा, तुम्हारा घर संसारी लोगों की मानसिक परेशानी मिटाने का साधन है। इसके बाद कृष्ण बलराम आदि चले गए। कंसवत के बाद पुनः कृष्ण जी कुब्जा के घर गए, वहां उसकी बहुमूल्य सेज पर बैठ गए। कुब्जा सजकर सुंदर वस्त्र पहनकर मुस्कुराती उनके पास आई। कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी, तब कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया, उसकी कंकण से शोभित कलाई को रगड़ कर अपनी खाट पर डाल लिया तथा उसके साथ रमण करने लगे। कुब्जा ने अंगराग का लेप देकर यह पुण्य कमाया था। कुब्जा कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय वक्ष स्थलों और नेत्रों पर रख के उसकी सुगंध लेने लगी। अपनी छाती से लगे हुए आनंद मूर्ति कृष्ण का अपनी दोनों भुजाओं में गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घकालीन विरह प्राप्त किया। ये देखो भैया भागवत 10:48 तक है। ये देखो क्या सुपर कॉन्सियसनेस चल रहा है भाई, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चल रही थी। बढ़िया नरेशन करते हैं इसे उधार कर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी चल रही थी। अच्छा आप सविता भाभी के उसमें काम करिए सर, बहुत बढ़िया नरेशन करते हैं यार। देखो सविता भाभी भागवत से और शिव पुराण से इंस्पायर्ड है, पता है आपको? चलिए कोई बात नहीं सर, आप नहीं है ना। अच्छा एक चीज और बता दीजिए, आपकी आपकी लेवल जो भी इंटेलेक्चुअल है वो आपका प्रदर्शित होता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कैसे। मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल ये है कि मैं इस तरह की जो सुपर कॉन्शियसनेस बीइंग है ना उसका कुब्जा को जो निपटा रहे हैं वो बता दिया आपको। सेक्स टैबू है क्या आपके लिए? आप तो बड़े लिबरल लगते थे मुझे, आप सेक्स टैबू है? नहीं सेक्स मेरे लिए टैबू थोड़ी ना, हंसने लगते हैं, हंसने लगते हैं। नहीं सेक्स मेरे लिए टैबू नहीं है, लेकिन जिसको आप हम इनके उदाहरण बता रहे हो ना वो किस तरह का डिंग डोंग करता था ये आपको बता रहा हूँ मैं सर। ये डम्प डाउन की गई है लो, मतलब की जो अपने कॉमन लोगों के लिए, तो ये चीजें ऐड करी जाती है। कॉमन लोग इतने गधे घंटोल थे कि उनको सेक्स को छोड़ के कुछ समझ भी नहीं आता। और आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गीता से पता चल गई, वाह यार। और कैसे पता चली सर? आप कृष्ण को कहां से जानते हैं? जैसी हिंदू जी आप कृष्ण को कहां से जानते हैं? भागवत गीता से सर। अच्छा एक बात बताइए, क्या किसी नथिंगनेस से कुछ बन सकता है? आप बताइए। नहीं नहीं उस पे बाद में चलेंगे, उस पे बाद में चलेंगे, अभी गीता पे एक सवाल है मेरा। अभी गीता की बात हुई तो एक सवाल है मेरा, उस पे भी आ जाएंगे। हाँ जो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो चारों वर्ण हैं ये मेरे द्वारा ही रचाए और बसाए गए हैं। हाँ तो ये कर्म बेस्ड है ना? हाँ कौन से कर्म? पिछले जन्म के नहीं, पिछले जन्म के कर्म बेस्ड, पिछले जन्म के नहीं, आज के नहीं। दिखाए जरा गीता खोल के, गीता खोल के दिखाए जरा, गीता खोल के दिखाए। अच्छा बाय बर्थ भी ये तो चीज है ही सर, कि अब जैसे अब मैं किस घर में जन्मा हूँ ये तो मेरे ऊपर नहीं है ना। मैं हो सकता है अमीर घर में जन्मा हूँ, हो सकता है मैं गरीब घर में जन्मा हूँ। हाँ। तो ये मेरे हाथ में है कि आपके हाथ में है कि आपके, ये तो जिस परिस्थिति में आपके माता पिता ने सेक्स किया होगा उस परिस्थिति में आप पैदा हुए। आपके हाथ में है क्या? किस चीज के मतलब आप कहते हैं जो गरीब अमीरी का जो फर्क है ये पिछले जन्म के कर्मों से आता है? आप कहते हैं कि जो आज, सुनिए मेरी बात, आप ये कह रहे हैं कि जो आज साधु पुरुष है, जो आज साधु पुरुष है वो पिछले जन्म में क्या थे?
क्या थे ये मैटर नहीं करता सर, बताइए ना मतलब क्या बनता है इसका सेंस, क्या बनता है सेंस में पूछता हूं, पुनर्जन्म की सेंस हमारे हाथ में नहीं है ना कुछ, मैं पिछले जन्म के कर्मों का सेंस पूछ रहा हूं सर, कृष्ण के हाथ में तो है, पिछले जन्मों के कर्मों का सेंस पूछ रहा हूं मैं सर, ये तो पहला रूल है, कभी इंटरफेयर नहीं करते, अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, और आज भी पिछले जन्म के इस जन्म के, अरे पिछले जन्म भी और इस जन्म के भी सारे अगले जन्म में, तो अगले जन्म में आप क्या बनोगे बताइए सर, हो सकता है मैं किसी दूसरे फोर्थ डायमेंशनल बीइंग बन जाऊं अगर मेरा कॉन्शियसनेस लेवल इतना ऊपर हो गया तो, हो सकता है मैं क्या होती है जो भी सर, इतना बड़ा यूनिवर्स है सिर्फ अगर नहीं आप डायमेंशन बताइए, 11 डायमेंशन बता दीजिए, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आज शूद्र है जो दलित है वो पिछले जन्म के चोर और डाकू थे, नहीं ये तो आपकी सोच है ना, मैं कह रहा हूँ नहीं मेरी मैं सोच क्या है इसके यार, सेंस तो यही बनता है ना आपके, क्या थ्योरी बनती है, थ्योरी बताएं मुझे, आप चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, आपको कोई बीमारी लग जाती, कितने बच्चे होते हैं बीमारियों से पैदा होते हैं, कितने बच्चों यही तो मतलब है ना, नहीं तो ये हमारे हाथ में नहीं, ये आप एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं, जो मतलब जो जीनियस वैज्ञानिक है श्री कृष्ण जी, एक चीज मैं शेयर करके पूछना चाहता हूँ भाई, क्या गजब विज्ञान इसमें बताएं, थोड़ा बता देते जैसे हिंदू जी, बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ यार मैं, ये देखो भाई भागवत गीता चैप्टर 3:14 में कृष्ण फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से निष्पन्न होती है, कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेदों को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान, वर्षा यज्ञ से होती है। जिस इंसान को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है वो बोल रहा है वर्षा जो है बारिश ना यज्ञ करने से होती है। नहीं तो सर वो तो मतलब अब यज्ञ तो करना क्या बुरा है, वो मानते हैं हम नहीं, वो कृष्ण कह रहे हैं प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होता है और वर्षा यज्ञ से होती है, ये वाला थोड़ा समझा दो भाई, ये कृष्ण जी ने थ्योरी दी ना यहाँ पे पूरी सर। अब ये जो है क्या है ना, बहुत चीजें हमें नहीं दिखती है, बहुत पावर्स हमें नहीं दिखती है जो हमने वर्षा मतलब करने से वर्षा होती है, कोई पावर है जो क्लास में बच्चा जानता है, चौथी क्लास का बच्चा जानता है कैसे वर्षा होती है। तो सर आप क्वांटम लेवल की पढ़ी है क्या, आपने बहुत चीजें नहीं बताई, तो आपको सर सारी लॉज ऑफ यूनिवर्स पता है आज की डेट में, मतलब क्या कुछ भी आप उसमें बोजोन्स कितने होते पता है, क्या बोसॉन्स कितने तरह के होते हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ आप बोसॉन और इलेक्ट्रॉन में जा रहे हैं, ये सब वर्षा यज्ञ पूछो ना, ये वाला पूछो ना वर्षा यज्ञ अभी यहीं पे रखते हैं, तो ये बताओ, सर आप बताओ। इस हिसाब से तो जो आपकी थ्योरी है ना उस हिसाब से तो हर इलॉजिकल चीज को आप तार्किक सिद्ध करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कोई कहे कि मैं उड़ सकता हूँ, आप कहोगे कि अरे कुछ लॉज होंगे ना, कुछ होगा ना क्वांटम वांटम में जाके, है ना थोड़ी होता है, क्यों नहीं है आज की डेट में सब बात करते हैं इन चीजों के बारे में, अच्छा सब बात करते हैं, समझाइए योगी क्या है, जैसी हिंदू जी क्वांटम बताइए हमें, समझाइए आप इतना क्वांटम क्वांटम कर रहे हैं, क्वांटम क्या है, कहाँ से निकला सर, ये एक समझाने का तरीका था ताकि कॉमन आदमी के लिए नहीं, ये गीता नहीं श्रोडिंगर इक्वेशन से शुरू करी है, वरुण भाई क्या बोल रहे हो वर्षा एक लड़की का नाम है जिसका बाप यज्ञ है, हाँ ये फिट हो सकता है, ये फिट होगा, ये बोलना था आप, ये लीजिए आप, ये बोलेंगे ना आप, ये लॉजिकल हो जाएगा सर, देखिए आपका ये जो अगर आप इसको फिट कर देंगे ना इसके अर्थ में तो ये बहुत लॉजिकल होगा, वरुण जी आपने तो बहुत ज्ञान की बात थमा दी इनके हाथों में, अब हमें ये लता वरुण देवता है आप तो सच में ये लॉजिकल, सर हम लोग ये सुनिए मेरी बात, आप ये सोचिए वेदों में तो इंद्र का भी जिक्र है ना, बहुत चीजें कौन है, सुनिए मेरी बात सुनिए, बहुत चीजें ऐसी हुई है कि जब इंसान का कॉन्शियसनेस लेवल नहीं ग्रेस्प कर सकता था कृष्ण को, कृष्ण कॉन्शियसनेस को, तो वो इंद्र को ही पूजा करते थे वर्षा के लिए, लेकिन आपको समझना हम लोग का धर्म एक वो है इवॉल्विंग है, और इसमें जैसे जैसे हमारा कॉन्शियसनेस एलिवेट हो रही है हम नई लंबी लंबी और फेंकते हैं फिर, नहीं तो ये देखिए ना पहले इंद्र था, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने बुक पढ़ी है, आप खुद भी देख सकते हो, खुली हुई है मेरे पास, क्या कहते हैं एक मिनट नाम बताता हूँ, लेक्चर्स ऑन हिंदुइज्म बाय मैकमास्टर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ठीक है,
तो ये बाहर लिखी गई है, उन्होंने कहा है कि हिंदुइज्म इज अ होल स्टडी इन इटसेल्फ, ठीक है, तो इसमें एक एवोल्यूशन होता है ना कि ये फिक्स बकवास। बिल्कुल एवोल्यूशन होता है, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन एवोल्यूशन अंधविश्वास के अंदर ही होता है, वो नए नए तरह के अंधविश्वास पैदा करते रहते हैं, नए नए तरह की थ्योरी देते रहते हैं। आप बताइए मेरे को, आप बता दीजिए मुझे बाउंड्री ऑफ यूनिवर्स में अंधविश्वास तोड़ दो। अरे मैं तो कह रहा हूँ ना, आप तो बहुत सारी चीजें जिनका जवाब नहीं है साइंस के पास, उससे क्या अभी नहीं खोजी गई है, अभी नहीं खोजी गई है। एक बात सुनिए, आपने इतना, आपने शायद इस पे इतना सोचा नहीं है, इसलिए आप चैन की नींद सो जाते हैं। हमने बहुत ज्यादा सोचा हुआ है। सुनिए मेरी बात ना, आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसका जवाब नहीं है, कुछ तो थ्योरी होती है ना। क्या साइंस काम कर रहा है, धर्म थोड़ी काम कर रहा है। हाँ तो ठीक, अच्छा एनीवे पॉसिबिलिटीज आप देख लीजिए, एक ही दो हो सकती है ना। अरे या तो जितना पता है, अच्छा जिस चीज के बारे में कुछ पता नहीं है उसके बारे में बता दीजिए। हम जैसी हिंदू जी, जैसी हिंदू जी बता दीजिए। डॉक्टर साहब क्वांटम लेवल पे जाके ना साइंटिस्ट को पैटर्न भी नहीं मिलता है। जैसी हिंदू जी, जैसी हिंदू जी, एक एक सेकंड में एक चीज पूछना चाहता हूँ। देखिए आपके अनुसार बहुत सारी थ्योरीज गीता में है, ठीक है, गीता 5-10 हजार जैसे, अरे सुनिए सुनिए सुन, पूरी बात सुन लीजिए सर, मेरा एक सवाल सिंपल सा होता है, मैं बहुत देर बाद बोल रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा विज्ञान है, क्वांटम थ्योरीज हैं और पता नहीं क्या क्या है, जो भी आपने बताया अभी मुझे याद नहीं है, ठीक है, और बहुत बड़े वैज्ञानिक थे हमारे भगवान कृष्ण जी। अब ये गीता कभी 4-5 हजार साल पहले लिखी गई होगी, बोली गई होगी, किसने सुनी पता नहीं है, किसने लिखी पता नहीं, अर्जुन के साथ वो भाषा ही नहीं थी उस वक्त, हाँ चल रही थी, छोड़े उस बात में भी हम नहीं जाते। अब मुझे ये बताइए, आज महाभारत को आप बोलते हैं कि 5 हजार साल पहले हुआ था या 2-3 हजार साल, हालांकि उसको भी हम खंडन उसका कर सकते हैं, एक मिनट लगेगी हमें, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने वर्षों में इतने बड़े बड़े ऋषियों को, इतने बड़े बड़े महर्षियों को, इतने बड़े बड़े मनीषियों को, ब्रह्म ज्ञानियों को, दयानंद सरस्वती हो गए, वो बहुत सारे ऋषि मुनि हो गए उसके बाद हुए हैं, किसी को इनमें विज्ञान नहीं मिला। आज अचानक से विज्ञान ने जब तरक्की की, विज्ञान ने जब थ्योरीज दी, तो अचानक से सारी चीजें आपके ग्रंथों से टपकने लगी। दूसरी बात, गीता में जब इतना ही ज्ञान था, इतना ही विज्ञान था, और भगवान कृष्ण का मकसद था कि वो लोगों को ज्ञान दे और वो धर्म की स्थापना करे, दोनों अलग अलग चीज है, आप विज्ञान बता रहे हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये धर्म की स्थापना हेतु हमने ये भागवत गीता रची है। पहली बात पे आ जाता हूँ, विज्ञान नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, आज अचानक से आप जैसे हमारे जैसे ही आप हैं अज्ञानी, जैसे मैं खुद को अज्ञानी बोलता हूँ, हम जैसे अज्ञानियों को इसमें विज्ञान नजर आने लगा, इतने बड़े बड़े ज्ञानियों को ज्ञान विज्ञान नजर नहीं आया इसमें। दूसरी बात, जब धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने ये गीता रची थी, कही थी या बोली थी, जो भी था, क्या धर्म स्थापित हो गया था? क्या धर्म स्थापित हो पाया था? सारे तो मर खप गए। क्या हुआ पांडवों का और क्या हुआ अर्जुन का? उसके बाद क्या कितना पतन हुआ भारत का? कहां गया गीता का ज्ञान? जब धर्म स्थापना हेतु भगवान ने गीता कही थी तो धर्म स्थापित क्यों नहीं हुआ? भगवान का मंतव्य कैसे बेकार जा सकता है? कैसे बेकार जा सकता है, मुझे ये बताइए। फिर वो भगवान कैसा? नहीं तो धर्म की स्थापना क्यों नहीं हुई थी? परीक्षित नहीं आ गए थे? अरे परीक्षित छोड़ो यार, यहाँ भी मुगल आके लूट के ले गए यार। अरे तो रुकिए रुकिए रुकिए, बस मैं सब में रोकना चाहूंगा सर। तो हैंड साहब, मास्टर जी हमको भी एक सवाल पूछना है इनसे सर, मुझे भी चांस दिया जाए। कलयुग, कलयुग जब शुरू हुआ था, कलयुग जब शुरू हुआ, कलयुग, अच्छा कलयुग, आप कलयुग सतयुग को भी स्थापित करेंगे, बात करेंगे उस पे, कलयुग सतयुग। तो ये चीज तो है। चले नेक्स्ट चलते हैं, एक बार अमित जी का सवाल ले लेते हैं। सर, और मुगलों का ब्लेम सुनिए आप, बुद्धिस्ट पे डालिए, क्योंकि मिडल ईस्ट से यहाँ तक गायब हो गए और हिंदुओं ने। मुगल का कहाँ बात कर रहे हैं यार, छोड़ो ना मुगल, मुगल छोड़ दो आप। नॉन वायलेंस की वजह से ही हम आ रहे हैं ना, कि हिंदुओं के। अच्छा ये वाला इस पे आते हैं सर, एक मिनट रुको सर, एकदम शक्तिशाली पे आ रहा हूँ मैं, एकदम ऑल पावरफुल पे आ रहा हूँ सर। मेरी स्क्रीन पे सेंट्रल एशिया में घोड़े थे, घोड़े यहाँ, घोड़े कर दो भैया, चले इतनी इतने इतना हमारे गधे सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलियोता ही मधुर फल जानु, इसका मतलब बता दो भैया। ये मैं नहीं जानता, मेरे को संस्कृत नहीं मालूमगा, मैंने संस्कृत भैया, एकदम
पता नहीं कहां, जब मुगल आ रहे थे घोड़ा लेके और भैंसा लेके क्या क्या, तो कहां भाग गए थे पता नहीं। इसमें लिखा है जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, ली लियो ताही मधुर फल जानू। हनुमान जी ने सूरज को देखा और उनको लगा मीठा मीठा फल है, उसको लील लिया। ये कैसे किया थोड़ा बता दो सर। अब इसमें क्या आप जानना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या मतलब हनुमान जी लील गए थे सर? हनुमान जी सूरज लील गए थे, देख सकता हूँ। हनुमान जी सर, इसको मैं कुछ जवाब दे सकता हूँ। हाँ मैट्रिक्स क्लब जी, आप इसमें बताओगे कि हनुमान जी लीले थे क्या? जी मैं इसमें बताता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है हनुमान जी ऊपर उड़ते हैं सूरज को निगल लेते हैं, बहरहाल सूरज निगलने का प्रकरण तो उसमें ऐसा होता है कि वो सूरज के पास जाने से पहले उन्हें एक देव आके रोक देते हैं। बहरहाल मेरा ये जवाब नहीं था, मैं दूसरा जवाब देता हूँ। मतलब तो ये जो चीज है अतिशयोक्ति अलंकारित भाषा में लिखी गई है, ये लिटरली कैसे कोई पॉसिबल हो मतलब सकती? एक मिनट, क्या आप ये मान रहे हो कि हनुमान जी ने नहीं किया था, सिर्फ एक काल्पनिक बात उनके बारे में लिखी गई? सोच समझ के जवाब देना यहाँ से अब आप। जी काल्पनिक शब्द यहाँ पर गलत है, हम इसे अलंकारित अतिशयोक्ति भाषा अतिशयोक्ति वाली भाषा कह सकते हैं। एक मिनट, अलंकारित का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के लिखना, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ था? इसका मतलब नहीं, ये देखिए काल्पनिक शब्द नहीं है, ऐसा हुआ था। एक मिनट रुक जाओ, नहीं नहीं ऐसा हुआ था, अब बताओ कैसे हुआ था, बताओ सर। हाँ तो सुनिए मेरी बात सुनिए, ये जो कविता लिखी है किसने लिखी है पहले तो ये बताइए, पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? तुलसीदास जी ने लिखी है। हाँ तो तुलसीदास जी जो है नीचे से देख रहे होंगे, राहुल जी बोल रहे 60% खाया था क्या भाई, कैसे? हाँ तो सुनिए ना, जब वो नीचे से जो आदमी पॉइंट ऑफ व्यू है जिसका, वो नीचे से देख रहा है हनुमान जी ऊपर गए, ठीक है, वो एक हायर कॉन्शियस बीइंग है, वो जब ऊपर गए तो कुछ देर के लिए सूरज ब्लिंक हुआ लाइक एन एक्लिप्स मेरे को, उन्होंने ये भाई एक मिनट यार, सच में आसमान गिर जाए मेरे ऊपर यार, क्या बोल रहे हो आप? आप क्या बात कर रहे हो? जैसे हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू देखिए ना, पॉइंट ऑफ व्यू रहे हो, तुलसीदास नीचे खड़े थे, हनुमान जी ऊपर गए, वो देख रहे थे, अचानक सूरज ब्लिंक हुआ। अमित सर ये अलंकारिक भाषा है, अमित तिवारी सर ये एक अलंकारिक भाषा है, आप इसे लिटरली सर, मैट्रिक्स सर, आप ये क्यों नहीं कहते कि ये बच्चों के लिए लिखी गई कविता है? अरे भाई इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि दैट इज फॉर चिल्ड्रन। मैट्रिक्स सर आपके पास आऊंगा प्लीज, ये भी मेंशन नहीं किया गया कि वो कैसे गए। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं ये जब ऊपर गए हनुमान जी तो सूरज ब्लिंक हुआ, ब्लिंक मतलब हनुमान जी ने मुंह में डाला था उसको, ब्लिंक हुआ। हाँ सूरज ब्लिंक करता है। अरे एक थोड़ी देर के लिए तो गायब हुआ था, अभी तो है ना। अरे रे 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 रे, कैसे कैसे अर्पित जी, अर्पित जी देखे देखे अब लेवल नहीं। शायद मैं जेसी हिंदू का बता दूं, ये शायद बता रहे हैं कि उनके आंख के सामने ये शैडो मतलब आ गया था। हाँ जो मैं कह रहा हूँ सामने हायर कॉन्शियस बीइंग नीचे से देख रहे हैं, वो सन की तरफ जा रहे हैं, थोड़ी देर उन्हें लगा कि हनुमान जी ने कवर कर लिया, हनुमान जी सन की तरफ जा रहे थे। हाँ आप सन कितना दूर है सर अर्थ से? अमित तिवारी जी सुनिए, आप हनुमान जी को एक कितना दूर है सर? ईटी भी तो हो सकते हैं। हाँ तो ये तो इसमें लिखा है जुग सर जोजन एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल। सर आपको शायद पता नहीं दुनिया में भी क्या चल रहा है, अभी एक्सपोजर वो एक्सपोजर होने वाला है यूएपी का अमेरिका में, जरा ट्विटर चेक कर रहे हो क्या आप? अपने कमरे में मत बम रही है, आपको नहीं पता बाहर देख रहा हूं उसमें 15 करोड़ किलोमीटर ना, कितने 150 करोड़, हाँ 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर छलांग मारे थे सर, वो ह्यूमन नहीं है ना, समझ तो नहीं क्या आ है? हायर कॉन्शियस है, हायर क्या होता तो है? जब मुगल लोग आए थे तो हनुमान जी कहाँ थे? क्योंकि वो द्वापर युग का था और अभी कलयुग है यार। क्या इनका आप लोग दुनिया दिखा दे रहा हूँ, देखिए अमेरिका का जो कोर्ट है ना वॉशिंगटन डीसी, उसने अभी ये बोला है कि यूएपी का एक्सपोजर पे उन्होंने काम करना शुरू किया कि रियली देर आर सम थिंग्स इन आर एटमॉस्फेयर जिनको जो हमें पता नहीं है कि वो क्या है, एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल एलियंस है,
हायर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग एथिस्ट बनने वाले हैं सच में। सर एथिस्ट क्या, मेरी बात सुन के आप रिवर्ट करने वाले हैं, समझ रहे हैं? हाँ, ये बात, ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये लेवल होना चाहिए। देख, ब्रह्म ब्रह्म में रहना बहुत अच्छा होता है। अरे सर आपको पता क्या है, यूएपी देखिए, ज्ञान से जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो अव्वल दर्जे का कॉन्फिडेंस होता है। कोई हिला नहीं सकता बोलते इसको ना आप। नहीं नहीं, डॉक्टर साहब नहीं पता है, हनुमान जी एकदम 15 किलोमीटर छलांग मारे और भक्क से एक 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 निवाले हम निगल दिए सूरज को, समझे? हमारे यहाँ पुष्पक विमान भी तो था ना तो भाई इतना इमेजिन हमने किया था, तो कुछ देखा होगा हमने, तभी वो लोग ऐसा सोच पाए। कहाँ देखा होगा, इतना विश्वास। वरुण भाई के सुपर चैट्स हैं सर। बाकी रिलीजन तो खोटे तक ही सीमित रह गए ना। कहाँ तक? खोटे खोटे मतलब गधे तक, उड़ने वाले गधे तक। हाँ। तो भाई आप आप देखो, मैं कह रहा हूँ कि आप देखो यूएपी एक्सपोजर अमेरिका में चल रहा है, क्या हो रहा है, वो लोग वहाँ के पेंटागन जो है वो कह रही है कि ऐसी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है, हमें गीता से मतलब है। दिस इज ऑल कनेक्टेड, दिस इज थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कनेक्टेड सर। हनुमान जी ईटिंग सन एंड कृष्ण जी डूइंग ब्लिंकिंग, जैसी हिंदी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वाली वीडियोस कम देखा करो यूट्यूब पर। भाई आप कर लो, मैं क्या, पूरी दुनिया ये देख रही है, आप ही नहीं देख रहे हो, आप अपने कमरों में बंद हो, देखो तो क्या हो रहा है। अभी अभी वो खुलेगा जेम्स वेब, आप अमेरिका जाके आते हैं क्या, तब और चीजें पता रूप से जाके आते हैं? नहीं मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं लिमिटेड हूँ ना टाइम स्पेस। नहीं एक बात बताइए, जहाँ पे फंसे वहाँ पे अलंकार है, जहाँ पे फंसे वहाँ पे मिलावट। नहीं मैं अलंकार नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लिटरली है, मैं कह रहा हूँ सुनिए सुनिए सुनिए, जैसी हिंदू जी में कुछ बात रखना चाहता हूँ, मैं कंक्लूजन साथ के साथ रखना चाहता हूँ ना, मैं कंक्लूजन साथ के साथ रखना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा सरल करके चलता हूँ, मुझे बहुत नाजुक मन के लोग भी देखते हैं, तो जहाँ पे चीजें बहुत ही लॉजिकल हो जाती है वहां पे अलंकार आ जाता है कि ये अलंकार है, और जहां पर चीजें बहुत ही घटिया और गंदी आ जाती है वहां पे मिलावट आ जाती है, ठीक है, और ये बरसों से आ रही है, अभी ये कुछ सालों से ही आ रही है, और आज जब से ये हम जैसे लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया है ना, ये बस तब से आ रही है, उससे पहले हर चीज पवित्र थी, हर चीज सर्वमान्य थी और हर चीज सच्ची थी। बिल्कुल गलत। भगवान हनुमान ने सूरज भी खाया था और अच्छे से चबाया था, ठीक है, ये बात आज से पहले बिल्कुल सच्ची थी, निकाला भी था, चले वो हनुमान ही जाएंगे, तो ये क्या हुआ? उससे तो चंद्र बना था। जब से ये जो मुझे लगता है कि इसीलिए क्या शायद मतलब बैन किए गए थे ये धर्म ग्रंथ की। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है सर कि आप लोग ऐसा लग रहा है आप लोग रैशनलिस्ट हो, तो बहुत आपने कुछ उखाड़ लिया है, बट मैं आपको नहीं नहीं, नहीं नहीं हमने कुछ नहीं उखाड़ा। अंबेडकर जी ने अपनी किताब में लिखा है, देखिए बहुत कुछ नहीं, पर आप दोनों का जैसे हिंदू जी, सच्ची बताऊं कि आप इतने मतलब ये धार्मिक लोग होते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, खाली व्यक्ति की बात, इतने जड़ होते हैं ना, सच में उखड़ते नहीं हो यार, हम आपसे का कुछ नहीं उखाड़ सकते, हम तो हार गए भैया आपके सामने झूठों का। इतना अंबेडकर सुन लीजिए, अंबेडकर जी ने अपनी किताब में लिखा है कि जब गौतम बुद्ध थे ना, अंबेडकर 62 टाइप्स ऑफ फिलॉसफीज एग्जिस्ट करती थी इंडिया में बुद्ध के पहले, ओके, तो यही फ्रीडम तो है सनातन की जो आप लोग छीनना चाहते हैं, आप चाहते हैं सब नास्तिक बन जाए, यही तो चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, खलीफा बनना चाहते हैं ना, नास्तिक नास्तिक कभी हो भी नहीं सकते, हो भी नहीं सकते, हम एक आप एक हम सत्य जानते हैं, बनाना चाहते हैं ना खलीफा, एक सेकंड अरे रे रे आपने बहुत बड़ा क्लेम कर दिया, रुके अर्पित जी आप बहुत देर से खामोश हैं, एक बार बताएं इनको जरा हम क्या हैं और क्या चाहते हैं। हमारा आप चाहते क्या ये तो बताइए, मैं आज तक हम ये चाहते हैं लोग रैशनल बने। हाँ। कैसे क्या हिंदू छोड़े, सुनिए मेरी बात छोड़े, रैशनल जातिवाद खत्म हो चुका है, आप हिंदू हैं, डॉक्टर साहब जब कोई एक बोल रहा हो तो फिर हमें किसी को नहीं बोलना चाहिए, जातिवाद खत्म हो चुका है, प्यू रिसर्च पड़ी है, सिर्फ 20% दलित पढ़ो प्यू रिसर्च ना, पढ़ते ही नहीं हो, वाशिंगटन का है, पढ़ो ना, अरे वो सब छोड़ो सर, एक स्क्रीन तिवारी हिंदू जी हारिस सुल्तान भी इस पे करता है, हारिस सुल्तान कौन है भाई, अमित तिवारी जानते हैं। अरे यार अब ये देखो भाई, ये देखो मंगलनाथ मंदिर मिला है, पता है आपको, नासा बताया है 32,000 साल पुराना है, मालूम है आपको?
सिर्फ, अरे 32 लाख साल पुराना, देखो इसमें लिखा भी है, वो गलती से एक दो जीरो लिखा है, द टेक्नोलॉजी वेस्टर्न वर्ल्ड हैज रीच्ड नाउ, वी हिंदूज हैड इट फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म। हाँ तो थाउजेंड, ये देखो क्यूरियोसिटी रोवर खो जाए, इसको मालूम था जैसे हिंदू आपको। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो और सिविलाइजेशंस ने कुछ नहीं किया है, मैं ये नहीं हो सकता, लेकिन एट द एंड हमारे सवाल ये हो सकता है कि नहीं, पहले बताओ आप। देखिए रिलीजन हमें इसीलिए अपनाना पड़ता है, नहीं मंगलनाथ मंदिर होगा कि पहले बताओ, जैसी हिंदू ये हो सकता है नहीं हो सकता, दिखाओ ना बस, ठीक है दिखा दिए आप। आरपीजी आप समझाइए जरा आपकी भाषा में, एक सेकंड एक सेकंड, मैं एक सेकंड, मैं सवाल एक करना चाहता हूं भाई, आपने कहा कि जातिवाद खत्म हो चुका है, तो ये कौन से सन में हुआ जरा बता दीजिए। ये अभी रिसर्च पढ़ लीजिए, 2031 की प्यूर रिसर्च, मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब कि पिछले 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 एक साल के अंदर पूरा जातिवाद खत्म हो गया, सब पूरा हो चुका, 70 साल हो चुके ना बाबा साहब अंबेडकर, ये पढ़ लीजिए इंग्लैंड में या अमेरिका में, ये पढ़ लीजिए जरा एक बार, ये पिछले 200 कई है एक, अरे सुनिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ यार, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप कर लो प्रोपेगेंडा जो कर, हाँ, कर लो, ठीक है मैं पढ़ के सुना, और उपग्रह मंत्रालय का डेटा है, होम मिनिस्ट्री का डेटा है, मैं आपको वो पीडीएफ भी दिखा दूंगा, लेकिन पीडीएफ में आपको समझ नहीं आएगा कुछ, इसलिए ये कह रहा हूँ, ये इंडिया इंडियन टाइम्स की है ये खबर, ये है 1,38,045 मामले दर्ज हुए हैं 2018 से 2020 के बीच, ठीक है, गृह मंत्रालय के डेटा के मुताबिक इनमें से 50,291 मामले अकेले पिछले साल में आए हैं, साल सामने आए हैं, इन 3 सालों के दौरान सबसे ज्यादा 36,467 केस उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं, इसके बाद बिहार 20,973 मामले, राजस्थान 18,418 और मध्य प्रदेश 16,952 52 केस में दलितों के साथ जुल्म हुए हैं, ठीक आप कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है, 1,38,000 थोड़ा होता है क्या, सुनिए मेरी बात, 1,00,000 पिछले 7 दिन की, अरे सुनिए पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए यार, पूरी अभी की दिखा दूंगा, आज की खबर भी दिखा दूंगा, अभी मेरे पास मैं भी दिखा दूंगा, हाँ दिखाइएगा बिल्कुल दिखाइएगा, नहीं होता कुछ सर, हाँ बिल्कुल दिखाइए आप भी दिखाइए, आप कह रहे हैं कि वो उस खबर को फेक साबित कीजिएगा, ठीक है आप कह रहे जातिवाद खत्म हो गया भाई, समस्या यही है, अरे समस्या ही यही है, जब आप सच्चाई को नकार सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय उसकी लीपापोती करना स्टार्ट कर दें, जब आप सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय उसकी लीपापोती स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हमें जातिवाद पे बोलना पड़ता है, तो हम तुम्हारे ग्रंथों की धज्जियां उड़ाते हैं, कुछ भी हो जाए सब कुछ सही भी हो जाएगा तो भी आप इस चीज का दामन पकड़े रहेंगे, ये आपकी प्रॉब्लम है, पकड़े रहेंगे तो सही दिखाइए ना, हमें दिखाइए ना सही तस्वीर, रिसर्च पढ़िए ना, डेटा से नई गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है सर, ये ऐसा नहीं बोल सकते, ये भारत सरकार की है, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी बोला है 3/4 SC/ST केस फेक होते हैं, और अभी अर्चना शर्मा मार दी गई फेक SC/ST, कितने केस दर्ज हो गया था ये आपको वो नहीं पता, आपका डिबंक हुआ था सर, आप कह रहे थे केस दर्ज नहीं होते, ये नहीं पता आपको कितने केस दर्ज नहीं होते, ये नहीं पता आपको सर, तो दर्ज की तो दर्ज किए कितने केस दर्ज नहीं होते, ये नहीं पता आपको, पंचायत निपटा देती है, क्यों नहीं की जाती, क्यों नहीं की जाती, आपको क्या लगता है, आपको कॉन्स्पिरेसी दिखती है हर चीज में, क्यों नहीं होते, क्यों क्यों नहीं होते आपको ऐसा दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं होते, जातिगत वर्चस्व के चलते नहीं होते भैया, अगर मैंने उस दिन हाँ, ये भी रिपोर्ट पढ़ी थी, कभी कभी चखो स्वाद, कभी चखो के स्वाद तो पता लगेगा, पुलिस के साथ मैं क्या क्या नहीं पूछूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, पुलिस में हर कास्ट के लोग होते हैं, ठीक है मैंने ये भी रिपोर्ट दिखाई, क्या क्या नहीं किए इनका धर्म भाई, स्त्री को क्या नहीं समझे, देखो सर एक ये मेरी शेयर कीजिए ना सर, माले गनीमत तो नहीं बनाया है ना, हिंदू ऋषियां भी थी जिन्होंने बहुत चीजें लिखी है, ठीक है 10-12 कोई नहीं थी, आदमी उनकी थी, दो बीबियां थी गार्गी और मैत्री, और ये देखो भाई संपत्ति के लिए अंग्रेजों ने कितना पढ़ा दिया, विक्टोरियन एरा से पहले क्या हाल था, देखो सत्यार्थ प्रकाश अंग्रेजों ने तुम्हें आगे बताया कि जिंदा नहीं जलाते पत्नी को,
पति के मरने नहीं के जलाते उन्हीं का स्टैट है उन्होंने बताया कि आपको नहीं पता था उससे पहले तो जलाए जा रहे थे आप लोग बाल बाल के 4 साल तुम बिल्कुल प्रोपेगेंडा में डूबे हो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता हां हम प्रोपेगेंडा में डूबे हो और आप लोग बहुत सही काम कर रहे हो क्या बात है इसके स्टैट से लेस देन 0.1% सती का इंसिडेंस था अरे एक मिनट रुक जाओ भाई ये देखो सत्यार्थ प्रकाश में 0.1% क्या लिख रहे हैं चले चले देखो और वो भी जहाँ पे मुस्लिम स्त्री एक मिनट भाई रुको यार कैसे कर रहे हो क्या लिख रहे हैं आनंद सुन ले विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ परदेश गया हो तो 8 वर्ष विद्या और कीर्ति के लिए गया हो तो 6 वर्ष धन आदि कमाने के लिए गया हो तो 3 वर्ष तक बाट देखे उसके पश्चात संनियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले और जब पति आए तो नियुक्त पति से छुटकारा पाए ये कियो आप औरतों के साथ क्या इसमें बुरा क्या है नियोग क्या है IVF यार किसी का पति अगर बाहर गया तो बोल रहे नियोग कर ले जब पति आएगा ना तो उसको निकाल के बाहर करना नियोगी को ये कर रहे हो भाई इसमें ये बोला है कि अगर वो 5-6 साल तक नहीं आता है तो अज्यूम ही इज डेड क्योंकि उस समय 25-30 साल ही अज्यूम इज डेड नहीं लिखा है भाई ये तो दूसरी शादी क्यों नहीं लिखा है वो वापस नहीं आया अरे तो शादी दूसरी कर लेना था ना उसको तो शादी 11 लोगों से क्यों करवाए नियोग करके बच्चा पैदा करने की बात हो रही भाई इसमें तो ये लिखना था कि पुनर्विवाह कर ले रीमैरिज का भी ऑप्शन था ये चीज स्पेसिफिकली इसके लिए है वरना आप ढूंढेंगे रीमैरिज ये देखो क्या लिखा है वैसे ही पुरुष के लिए भी नियम है कि वंद्या हो तो 8वें विवाह से 8 वर्ष तक स्त्री को गर्भ न रहे संतानों के मर जाए तो 10वें जब जब हो तब तब कन्या ही अगर होए पुत्र ना होए तो 11 वर्ष तक और जो अप्री बोलने वाली हो उस सदे स्त्री को छोड़ के दूसरे स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति करे ये देखो भाई इसके आगे भी तो लिखा है ये लो मतलब जो ये, और ये एक मिनट अगर बार बार लड़की पैदा हो तो 11 साल तक बस देखो उसके बाद दूसरी स्त्री से नियोग करो और अगर वो औरत ना अच्छा नहीं बात करती है तो भी उस स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति करो यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि भैया दूसरी औरत से शादी करो हाँ नहीं दूसरी औरत से शादी अलाउड थी ऐसा नहीं है हो ही नहीं सकता आप मिल जाएगा अरे तो तलाक लेके करना है ना भाई वो किसी स्त्री से नियोग क्यों करना है उस औरत को आप छोड़ दो म्यूचुअली अपना अलग हो जाओ और फिर आपको जिसके साथ शादी करना है करो तो, लेकिन यहाँ तो नियोग की बात हो रही ना ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर दिखा रहा है इट इज नॉट कि हमें ये फॉलो करना है आज उस समय लड़के इम्पोर्टेंट थे आई एम अग्रीइंग उस समय लड़के होना इम्पोर्टेंट था अच्छा आपको पता है ये जो पाताल लोक है ये कहाँ पे आपको मालूम है पाताल लोक कहाँ है पता है पाताल लोक सर वैसे तो लोअर डायमेंशन जगह कहते हैं मतलब कि लोअर डायमेंशन प्लेसेस लोअर डायमेंशन नहीं जी ये देखो 10वें समुल्लास में दयानंद सरस्वती लिख रहे हैं कि जिन देशों का नाम यूरोप है उनको ही संस्कृत में हरिवर्ष कहते हैं उन देशों को देखते हुए जिनको हूण यहूदी भी कहते हैं उन देशों को देखकर चीन में आए ठीक है मांडू माद्री पांडू की स्त्री ईरान के राजा की कन्या थी और अर्जुन का विवाह पाताल में जिसको अमेरिका कहते हैं वहां के राजा की लड़की वो लोपी से पाताल अमेरिका है भाई अमेरिका है इनका से मतलब कांटेक्ट हो गया था हिंदुओं का अब ये कह रहे हैं ना तो यार ये तो दयानंद सरस्वती लिख रहे हैं ना गप मारा ना भाई दयानंद सरस्वती अमेरिका नहीं पता था क्या उनको दुनिया को नहीं पता था अमेरिका क्या है एनीवे नहीं सर ये तो आप देखिए आप किसी का भाष्य दिखा रहे हैं किस रेफरेंस में मैं नहीं बता सकता हाँ ये चीज सर ये जो है ये अभी हाल फिलहाल एक ब्राह्मण को भी मार दिया था दलितों ने ये आपने नहीं पढ़ी न्यूज शादी करने के लिए यूपी में एक ब्राह्मण लड़के को मार दिया था ये क्या लिखा है ये न्यूज को पढ़ो ना सामने हाँ जाति वातियों ने फोड़ी दलित की आंखें यूपी में फिर सामने आई हैवानियत तो मैं आपको देखिए मैं आपको ये चीज कह रहा हूँ कि अमित तिवारी जैसे आपने 2 साल पहले मतलब एक बताई थी रिपोर्ट कि घोड़े पर बैठने के लिए मार दी थी वो मैंने चेक की वो गलत निकली पुलिस ने अच्छा, तो ये लाओ दिखाओ भाई आपने कहाँ चेक की है दिखाओ मैं पुलिस ने ये बोला कि वो नहीं आपको दिखाओ या शेयर करो आप ऐसे आपके बोलने से थोड़ी ना एक एक चीज आपको रेफरेंस से दिखा रहा हूँ भाई हनुमान जी ने सूरज खाया वो भी आपको दोहा दिखाया पताल लोग को अमेरिका कह रहे हैं वो भी दिखा रहा हूँ अंधा कुटिल सांप दिखा दिया उसने जब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ किलिंग उससे 2 साल पहले दिखाओ, दिखाओ, वाला इंसिडेंट हुआ सर दिखाओ ना हमको अरे तो सर आप सर्च कर लो ना आप मेरे से इतनी मेहनत क्यों करा रहे हो अरे आप इतनी मेहनत तो कर रहे हैं बचाने की धर्म
अब मैं थक चुका हूँ सर, अब 2 बज रहे हैं। एनीवे आप सर प्यू रिसर्च पढ़ लेना, ठीक है? मैं कम से कम, या तो अमित तिवारी आप बोल दो ऑन कैमरा की प्यू रिसर्च ब्राह्मणों ने लिखी, बोल दो। मैं क्यों बोलूं भाई, प्यू रिसर्च को लेके आना ना, उस पे बात कर लेंगे, अगली बार आ जाना, उसको लेके बात कर लेंगे। ये तो मैं शेयर कर दूंगा, खुली हुई है, कर दूं? अरे यार आपको भी गृह मंत्रालय का डेटा दिखा रहे हैं, वो भी तो एक रिसर्च है, उसको क्यों नहीं मान रहे हो आप? अलग अलग रिसर्चेस नहीं हो सकती? वो स्टैट्स से रिसर्च में किसी को देखने के अलग अलग पर्सपेक्टिव नहीं हो सकते? जो आपने दिखाए वो स्टैट्स है, क्योंकि यस एससी एसटी के वो स्टैट्स है, गृह मंत्रालय के डेटा है भाई, रिपोर्टेड केसेस हैं, उल्टा बोल रहे हो आप। हाँ तो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना प्यू रिसर्च, दिखाओ। हो जाओ यार आप, हो जाओ जैसे हिंदू, सो जाओ आप, ठीक है? ये लीजिए मैंने शेयर की है, एक मिनट देख लीजिए ना। पर एक मिनट आप बताइए, आप ब्राह्मण है? नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, मैं ये ब्राह्मण ब्राह्मण पड़ता है, मैट्रिक्स क्लब भी ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है, दोनों ब्राह्मण। हाँ फिर ठीक है, क्योंकि शास्त्र, आपके शास्त्रों के अनुसार। देखिए भाई जैसे हिंदू मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जैसी हिंदू भाई मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। देखिए जातिवाद खत्म हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये खत्म होना चाहिए, ये सब हम सब भी तो यही चाहते हैं, आप सब भी यही चाहते होंगे सच में, क्योंकि ये कलंक है हिंदू धर्म पे। लेकिन जब दिक्कत कहाँ पे आती है, वापसी कहाँ पे हो जाती है, चीजें तब बढ़ जाती हैं, जातिवाद तब बढ़ जाता है जब हम ग्रंथों के जातिवादी संदेशों को बड़ा ही पवित्र और बहुत ही सही साबित करने की कोशिश करते हैं, जब हम वर्ण व्यवस्था का बचाव करना स्टार्ट कर देते हैं। चीजें खत्म तब होती हैं जब हम सच्चाई को स्वीकार करने लग जाते हैं, सच्चाई स्वीकार करते ही परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो अगर आप लोग ये सब कर रहे हैं कि हाँ मानते हैं कि जातिवाद गलत है, तो सच में ये खत्म होगा, आप और हम मिलके खत्म करेंगे इस चीज को, इसका मैं स्वागत करता हूँ, और जो जो भी आप कहेंगे मैं उस बात से एग्री करता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जो कहना चाहता हूँ, अगर एक भी केस आता है तो उसको बोल, उसके लिए बोलने वाला तो कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप चाहते हैं, कारण क्या हुआ, कोई भी चीज बढ़ कब जाती है, जब बहुत लोग खामोश हो जाते हैं, जब लोग चुप हो जाते हैं। एक वायरस होता है, एक जगह से स्टार्ट होता है, उसको जब शुरुआत में ही कवर कर लिया जाए तो वो खत्म हो जाता है, ठीक है? उसके बारे उसके बाद उसकी थोड़ी सी लापरवाही की जाए तो दोबारा फैल जाता है, ठीक है? नहीं, तो हमें फैलने से रोकने के लिए हमें बोलना होगा, जैसे ही हमारे सामने कोई केस आएगा। आप मेरे को, अच्छा आप मेरे को एक बात बता दीजिए, मैं भी यही चाहता हूँ और स्टैट्स भी ये दिखा रहे हैं कि देखिए 70 इयर्स हमारे इंडिपेंडेंस के हो चुके हैं, तो आप कितना पीछे जाएंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ ना, आप कब मानेंगे कि हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है, बोलिए ना एक बार। प्यू रिसर्च में यही लिखा है सर कि सिर्फ 20% एससी एसटी ऐसे हैं जिन्होंने पिछले एक साल में कुछ फेस किया हो, 90% हिंदू, 20% का इतना कितने लाख बनता है, बड़ी पॉपुलेशन है, सुनिए सुनिए एक मिनट, आप रिपोर्ट भी खोल लीजिए, लेट्स डिस्कस, कितना लाख होता है, कितना लाख होता है 20%? आप एक मिनट, आप करो तो एक मिनट, एक खोलो तो मेरा शेयर, तो यार प्लीज आप ना थोड़ी सी अपने अंदर में ह्यूमैनिटी लाओ। देखो इस पे बात करने का आपका मेरा अधिकार नहीं है, जिस दिन दलित आके ऐसा बोलेगा ना कि हाँ सर कम्प्लीटली खत्म हो गया, हम तब मान लेंगे, समझो मेरी बात को, आप देखो इंसानियत की भी बात है। देखो मैं देखो प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर आप एक ही चीज को लेके चलोगे ना, तो अगर इम्प्रूवमेंट भी होगा ना, तो भी आप जब तक देखो जिस दिन पूरे दलित आके बोले ना हाँ कम्प्लीटली खत्म हो गया, हम उस दिन मान लेंगे, हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, जिनके साथ हुआ है उनको ये अधिकार है ना बोलने का, यार ये अधिकार उनसे मत छीनो। सर अब मैं आपको बता रहा हूँ, यार आप खुद ना एक ब्राह्मण फैमिली से आते हो जैसे हिंदू, और आप कैसे इस बात को जस्टिफाई करोगे कि उनके साथ खत्म हो गए, जो कि चीज आप सर क्योंकि एक वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं ना कि अब इंप्रूव, ये अच्छा तो आपका वेस्टेड इंटरेस्ट दिखाओ, आपका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है इसमें ये बात को बोलने के पीछे में, क्योंकि देखिए यार ह्यूमैनिटी तो रखो प्लीज, यार ह्यूमैनिटी रखो थोड़ा प्लीज, जिस दिन सारे ब्लैक आके बोलेंगे ना कि हमारे ऊपर रेसिज्म खत्म हो चुका, उस दिन माना ये जाएगा कि हाँ रेसिज्म खत्म हो गया, बिल्कुल उसी तरीके से जो दलित अंत्य है ना उनके पास ही अधिकार है यार, यार ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा जी, नहीं आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है ये बात को बोलने में, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा हो रहा है, एक मिनट जैसी हिंदू जी ऐसा हो रहा है,
अमित तिवारी आज बैठ के उनके लिए बात कर रहा है, तो ऐसा हो रहा है और ऐसा होता जाएगा, ठीक है। आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, तो ये अधिकार हम उनसे नहीं छीन सकते। दुनिया का सबसे आसान काम होता है सर, यार वो विक्टिम कार्ड नहीं है भाई, वो सर्वाइवल की चीज है, ठीक है, एग्जिस्टेंस की चीज है। जिस दिन आपके हाथ से किसी ने पानी लेने से इनकार कर दिया ना, उस दिन चीजें समझ में आएंगी। थोड़ी सी ना संभावना रखो किसी के लिए, किसी के लिए ना एम्पैथी रखो, किसी इंसान का दर्द ना बिना कुछ झेले उसके दर्द को समझ लेने की क्षमता रखो भाई। क्या कर रहे हो यार आप लोग यार, अज्यूम क्यों कर रहे हो कि मैं नहीं हूं, लेकिन तो अब आप ये बात को क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि मैं डेटा दिखाता हूं, आप हवा में बातें करते हो। जैसे हिंदू जी डेटा में, डेटा में 20% आप जानते हो कितने लोग होते हैं सर? अगर आपकी हिम्मत है तो आप दिखा दीजिए डेटा, नहीं दिखा सकते तो बोल दीजिए। मैं आप अरे आपने अभी खुद ही बोला ना, आपने खुद ही बोला 20% लोगों के साथ। मेरी बात सुनिए, आप इसको डिबंक कर दीजिए, मैं एकदम चुप बैठ जाऊंगा। आप डिबंक, इसमें डिबंक करने जैसा कुछ नहीं है, मैंने आपसे इसमें बात करी थी भाई। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आखिरी इंसान मतलब आप यार शेड्यूल कास्ट लोग के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं? एक ब्राह्मण यहाँ पे बैठ कर डेटा दिखा रहे हैं और बायस नहीं, मेरे प्योर रिसर्च दिखाएगा, प्योर रिसर्च दिखाएगा, मेरे डेटा नहीं। यार आप एक ब्राह्मण हो, समझ कैसे नहीं रहे हो आप इस बात को यार? जैसी हिंदू आखिरी एक मिनट, जिस दिन नहीं नहीं जिस दिन 0% हो गया ना, 0% उस दिन मानना चाहिए हमको यार। वो भी तो हमारे लोग हैं ना, इसी समाज के लोग हैं, इसी इसी धरती के लोग हैं। आप मेरे को लग रहा है आपको पता है इसी कारण ना, इसी कारण लोग ब्राह्मणवाद से चिढ़ते हैं, आपके जैसे लोगों के कारण चिढ़ते हैं। एक चीज जैसी हिंदू जी, जैसी हिंदू जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। आपने डेटा हटा दिया, एक ब्राह्मण बोल रहा है, एक ब्राह्मण बोल रहा है, सबसे पहली बात एक ब्राह्मण बोल रहा है की जातिवाद खत्म हो गया। अरे तो ब्राह्मण कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन का डेटा एक ब्राह्मण नहीं दिखाएगा। ह्यूमन विद साइंस सर, ये डेटा आप शेयर मत करिए। मैंने इनको पहले भी डिबंक किया है, मैंने डिबंक किया है, बोलिए, मैंने आपको इस पे डिबंक किया है। देखो ना हिम्मत है आपकी, प्यू रिसर्च कह रही है इस बात को, आप मेरे खोल के दिखाइए कहां कह रही है खत्म हो गया। खोलिए, हिम्मत है तो खोलिए ना। अरे हाँ हो गई ना हिम्मत यार, हो गई, हो गई भैया हिम्मत। क्या लिखा है? मेजोरिटी थोड़ा जूम करो, जूम करो, जूम करो, कर दे जूम, जूम करें इसको, प्राइवेट चैट में मेरे को भी दे दो आप यहाँ पे। हाँ, दे रहा हूँ, अच्छे से स्टडी करिए। अरे मैं आपसे बात कर चुका हूँ, इस पे आपको खुद को याद है सर, आप बायस थे। अब देखिए, अब इस बार देखता हूँ। हाँ, चले चले बताएं यार, बताएं, बताएं। ओके, लेट्स सी सर, देखिए इसमें क्या लिखा है। ये पहले तो वॉशिंगटन की रिसर्च है, बहुत फेमस रिसर्च है, इन कंट्रीज पे रिसर्च आते हैं इसके। ओके, इसमें कितने बंदे शामिल हुए थे वो भी बताना जरा। ये दिस इज अ वेरी हाई क्वालिटी रिसर्च, 30,000 थे, और 30,000 थे। ठीक है, रिसर्च ऐसी लेवल की होती है सर, बहुत हाई क्वालिटी रिसर्च है, इसको मजाक नहीं करिए क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी जाएगी। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस डू नॉट सी वाइड स्प्रेड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एससी एंड एसटी। अब इसमें क्या है, एससी एसटी खुद कह रहे हैं, 26% एससी एसटी कह रहे हैं कि हमें लगता है कि वो है क्या डिस्क्रिमिनेशन है। एससी एसटी खुद से 26% कह रहे हैं, सिर्फ 26% होता है। यही बात उस दिन पूछा था मैं, और यही बात भी पूछ रहा हूं आपसे यार। और कास्ट को भी देखिए ना सर, और कास्ट, अरे यार डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ होता है? 26% शेड्यूल कास्ट कह रहे हुआ है हमारे साथ, आपको ये बात लगता है? नहीं, लगता है उनको, लगता है। ये देखो, यही बात पे डिबंक किया था पिछली बार भी मैं। सर आप सुनने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं, सुनिए ना, थोड़ा सा तो चांस दीजिए ना यार। 26% एक मिनट रुको, देश में कितने हैं? एक मिनट रुक जाओ, शेड्यूल कास्ट देश में कितने 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 बताओ, कितने सर? मेरी परसेंटेज जब मैं बोलता हूँ 26%, तो मैं बोलता हूँ जितने भी नहीं, शेड्यूल कास्ट देश में कितने हैं, कितने हैं मुझे नहीं पता सर, आप बताइए। आपको नहीं पता? मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, 70% होंगे, 50% करोड़
ये यहाँ पे दिखा रहा है जो कुल आबादी का 16.2% है, जबकि अनुसूचित जाति की आबादी 8,43,26,000। नहीं 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 सर, नहीं मैं बता रहा हूँ, हाँ ये है तकरीबन 20 करोड़, ठीक है, और ये 2011 का सेंसस बता रहा हूँ, जब 121 करोड़ भारत की आबादी है तो 20 करोड़ है, ठीक है, 20 करोड़ का 26% कितना होता है, ब्राह्मण कितने पता है देश में, 3%, 4 करोड़ है ब्राह्मण, 4, तो वही तो, तभी तो मैं कहता हूँ ये एकदम नॉनसेंसिकल है कि आप पूरी स्पीड में ब्राह्मणों को गाली दें, इतने कम है। गाली किसी ने नहीं दिया मेरे भाई, गाली नहीं दिया यार किसी ने, रुको, 20 करोड़, और वो भी मैं 2011 का बता रहा हूँ ना, 2011 का बता रहा हूँ। अच्छा ये अभी तो नहीं, अरिजीत सिंह लिख रहे 70% बहुजन SC ST OBC, नहीं सर मैं SC ST OBC नहीं, इनको सिर्फ जो शेड्यूल कास्ट है उस पे ला रहा हूँ मैं ना, नहीं नहीं शेड्यूल कास्ट ST को भी नहीं ले रहा हूँ, अगर मैं एक रॉ डेटा मानू, हो सकता है कि मेरा डेटा गलत होगा भाई, 20 करोड़ में 20 करोड़ का 26% कितना है, अच्छा कोई 34% भी बोल रहे हैं ना, ये एक बार मेरे को देखना पड़ेगा, चलो एक इनसे सिर्फ बात करने के लिए मैं 20 करोड़ मान लेता हूँ, तो 20 करोड़ का 26% कितना होता है। हाँ 4 करोड़ होता है, 5 करोड़ 20 लाख, 5 करोड़ 20 लाख होता है, है ना, 5 करोड़ 20 लाख इस देश के लोग बोल रहे हैं हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो गया, नहीं हाँ दे हाँ, आकाश सिंह कह रहे 30 करोड़ है, नहीं चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं सर, इनको 20 हम ऐसे ही पकड़ लेते हैं, एक बात करने के लिए, Okay. इस देश के तकरीबन 5.5 करोड़ लोग बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन हुआ हमारे साथ में, हमारे लिए कितनी खराब बात है। हाँ और 85% कह रहे हैं कि नहीं हुआ, 85%। अरे तो भाई एक मिनट, वो भी सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि संविधान में ना ये धाराएं लगी हुई है, नहीं तो पेल देते, समझे, किसको बता रहे हो आप, ये संविधान के कारण हो रहा है, ये वाली बात भूल गए, आज हटा दो, अगर अपना अच्छा अच्छा अपना और गंदा गंदा तुम्हारा, यही कर रहे हो आप, बायस जो अपना मतलब संविधान सबका है भाई, ओ मेरे भैया, यही तो कह रहा हूँ कि आप ब्लेम क्यों कर रहे हो, संविधान में जब सबको बराबरी दी गई है तब भी उसके बावजूद मेरी बात सुनो, इस देश में एक मिनट रुको, बल्कि आपको पता है ये जो डेटा मेरे को बता रहे हो ना, ये तो और भी ज्यादा खराब बात है कि संविधान ने जबकि सबको बराबरी दे दी उसके बावजूद 5.5 करोड़ लोग ये कह रहे हैं कि मेरे साथ भेदभाव हो गया। चलो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम इंसान बने, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि उनको हाथ दें, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि समाज में उनका जो स्थान है वो उनको मिलना चाहिए, हाँ हम ऐसा क्यों नहीं करते कि जितनी उनकी आबादी है उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, हम ऐसा क्यों नहीं करते, हाँ हम ऐसा क्यों नहीं करते। मेरी मेरी बात सुनो, आपका स्टैट में समझ गया हूं, कह रहा 26% इज वेरी गुड, आई अंडरस्टैंड, आप उसी स्टैट में आप देखोगे कि कितने ब्राह्मणों या ओबीसी ने फेस किए, तो 17% ब्राह्मण और 18% ओबीसी, उन्होंने भी जातिगत डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। अब इसका मैं क्या मतलब, ये देखो ये ब्राह्मण बोल रहे हैं इनके साथ भेदभाव हुआ है, यार मैं भी ब्राह्मण परिवार में पैदा हूँ, आज तक नहीं हुआ यार, क्या यार भाई, ओबीसी भी तो कह रहा है, ओबीसी भी कह रहा है, आपके साथ हुआ हाँ बिल्कुल हुआ है, बताइए किसने किया आपके साथ भेदभाव, कोई मुसलमान किया होगा भाई, मुसलमान दलित ने आपके साथ भेदभाव कर दिया, आप छोड़िए ना, मैं इतना सोचता नहीं हूँ सर, कोई बात बताइए ना, पर आप पहली बार मैं भी जानना चाहता हूँ कैसे हुआ वो भेदभाव, मैं वो तो बताए ना, देखिए यही तो बात है, आप लोग के अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, आप दूसरे को, आपके अंदर एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, बता रहे यार देखो, यानी सुपर, आपने झूठ बोला तो हमने पकड़ लिया, दिस इज बायस, सुपा बोले तो बोले छन्नी बोल रही है भाई, ये बता रहे हमारे अंदर ह्यूमैनिटी, मैं पर्सनल यार पर्सनल नहीं, बताइए किसने कब किया, कौन सी जाति ने आप पे भेदभाव किया, नहीं मैं नहीं करूंगा ये चीज है ना, मैं नहीं, हाइपर एक्टिव बोल रहे हैं शेड्यूल कास्ट प्लस एसटी 35 करोड़, नहीं हाइपर एक्टिव जी मैं एक रफ फिगर सिर्फ जो दलित है ना मैं उनका ही ले रहा हूँ, अच्छा फिर आपने यार 26% पे हाथ तो गए ना, 5.5 करोड़ की बात हो रही है ना, अमित तिवारी 17% ब्राह्मण ने भी उसी डेटा में कहा है और 18% ओबीसी ने भी कहा है, पढ़ो ना तो कहेगा ये देख यार, ओबीसी ने भी कहा है ना, तो सभी फेस कर रहे हैं, कहां पे आपके साथ, एक बात बताओ किसी ने आपके हाथ से पानी लेने से मना किया, अच्छा
अमित जी अब मेरे को आप बता दो, पिछले 20 साल से मुझे नहीं लगता किसी से पानी लेने में किसी ने जैसी हिंदू जी अब मुझे जैसी हिंदू जी अमित जी एक सेकंड, अगर मैं आपको एक ऐसी ऑडियो सुना दूं जो एक ब्राह्मण ने ब्राह्मण को कॉल करके कही है, अभी हाल ही की है, मेरे पास इंस्टा पे आई है, मुझे थोड़ा सा समय लगेगा मेल पे करने में, ठीक है। उसके अंदर एक ब्राह्मण बोल रहा है अपने ब्राह्मण रिश्तेदार से कि अभी ये जो चमार लगे हैं ना तुम्हारे पास, कंप्यूटर ऑपरेटर लगे हैं, ये रोडवेज की बात कर रहा हूँ मैं, ये मेरे पास आई थी खबर, शायद ये हरियाणा से, हरियाणा से खबर आई थी मेरे पास ये, और तो मैं भी ऑडियो दिखा दूंगा सर आपको। नहीं चलता सर, डेटा से चलती है, सुन तो लो, हाँ मैं बता रहा हूँ, 30,000 लोगों का डेटा है, 140 करोड़ का देश है यार, ये देख रहे हो इनको। अमित तिवारी 30,000 इज कंसिडर्ड अ वेरी हाई क्वालिटी रिसर्च, इफ यू डोंट नो रिसर्च देन डोंट टॉक यार। उसके बाद यार 5.5 करोड़ कम होते हैं सर, 17% और 18% ओबीसी भी कह रहे हैं, 26% एससीएसटी कह रहे हैं। ओबीसी को दूर रखो, ब्राह्मण का बात करो, ब्राह्मण वैश्य सब कह रहे हैं, हमारे साथ भी हुआ 18%। ब्राह्मण वर्ड ही अपने आप में रेसिस्ट है, अगर मैं आपको बोल दूं तो सर अब अगर इस लेवल पे आप जा चुके हैं प्रोपेगेंडा के तो मैं कुछ नहीं कर सकता मनुस्मृति के हिसाब से। एक मिनट, मनुस्मृति के हिसाब से ब्राह्मण वर्ड इनह्यूमन है। चलो अच्छा एक चीज और बताइए, एक चीज और बताइए, किस कास्ट के लोग इस सर्वे में शामिल थे, किस कास्ट के लोग? सारी कास्ट के सर, वॉशिंगटन से हुई है ये, पता नहीं एसजे को भी समझ नहीं। वॉशिंगटन से वो साई जर्नी सर आपको इस पे डिबंक कर चुके थे, मैं भी मैंने कुछ नहीं डिबंक किया था सर, उनसे तो मैं बात ही नहीं करता, उनको क्या डिबंक करेंगे, यूनेस्को को नहीं माने जो वो नहीं बात करते आप, क्योंकि वो आपको इतना ठोक चुके हैं यार, मैं देखा सर वो क्या ठोकेंगे सर, वो क्या ठोकेंगे सर, अमित तिवारी सर शर्म करिए सर, यूनेस्को को तो इज्जत करिए आप, हम ही लोग शर्म करें और आप नहीं करोगे क्योंकि आप 5.5 करोड़ लोग बोल रहे हैं, भेदभाव है, अमित तिवारी शर्म कर ले यहाँ, वाह वेरी गुड भाई, ठीक है। जेसी हिंदू जी ऐसा करते हैं, चले छोड़ दें, आपने कहा ना कि जातिवाद कम हो रहा है, हम इस चीज को लेके चलते हैं पॉजिटिविटी में, ठीक है सर। आप डेटा पढ़ लीजिए, मेरी बातें मत मानिए, सुन तो लो यार, कमाल है, तुम उतावले बड़े रहते हो यार, मैं तुम्हारी तरफ की बात कर रहा हूँ, तुम उछले जा रहे हो, हद होगी यार, सॉरी सॉरी। देखिए भाई मैं इस चीज को का स्वागत करता हूँ, अगर कम हो रहा है तो भाई साहब दिल से स्वागत करता हूँ इस चीज का, और हमें इसे खत्म करना है, कम नहीं हमें खत्म करना है, आपको और हमें मिलके, ठीक है, इस पे हम दोनों सहमत हैं और हम दोनों की एक राय है, ठीक है आगे बढ़े। अब इसमें ना एक चीज एक पॉइंट मेरे को समझ में आया, मैं क्लियर कर दूं, जो ब्राह्मण वाला जो डेटा है ना, जो कह रहे ब्राह्मणों के साथ भी भेदभाव हुआ है, एक्चुअल में जो जातिवाद है ना वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ SC ST तक ही सीमित है, वो सभी जगह जातिवाद हमारे आसपास है, लेकिन हाँ उसका जो सबसे ज्यादा खामियाजा जो भुगतना पड़ता है वो SC ST को ही भुगतना पड़ता है। जैसे ब्राह्मण में भी जातिवाद है, ब्राह्मण में भी ऊंचे नीचे, ऊंचे ब्राह्मण नीचे ब्राह्मण, हम ऊंचे वाले हैं नीचे, इस तरह का भेदभाव यहाँ भी चलता है, और इस तरह का भेदभाव अदर जातियों में भी है, लेकिन जो भी जिस तरह का भेदभाव जो है SC ST के साथ होता है कि उनके हाथ का पानी नहीं पीना, कि उनको बराबर में बैठने नहीं देना, ये इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। तो सर ऐसी जो वहां पर जो सवाल, बहुत अच्छा पॉइंट बोले अर्पित सर, बहुत शानदार पॉइंट है ये, तो वहां पर जो डेटा है वो एक्चुअल में इस डेटा में पता है सर, ये भी पूछा गया कि क्या आप अपने एक दलित आदमी को अपना नेबर बनाएंगे, मोर देन 80-90% लोगों ने बोला कौन मना करेगा, कौन मना करेगा, कोई मना करेगा, पागल है यार, कोई मना करेगा मुंह पे, कोई बंदा पूछ रहा है भाई तुम्हारे देश में जातिवाद है कि नहीं, अरे जातिवादी इंसान से पूछ लीजिए कि आप जातिवाद से नफरत करते हैं, वो कहेगा मैं तो बहुत खिलाफ हूँ जातिवाद के, जिसने जिसने अभी अभी किसी दलित को थप्पड़ मारा उससे पूछ लीजिए। तो वही मैं कह रहा हूँ सर कि अब मैं डेटा वाइज में जाता हूँ ना सर, सर्वे जबानी है ना, जमीनी हकीकत फिर भी मैं आपकी बात का स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन आप बिना बात के उसे ले जाते अच्छा ठीक है, ह्यूमन विद साइज आप कर रहे हैं ना, देखिए मैं कह रहा हूँ आप सर, मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए, काफी बात हो गई। ओके हाँ ठीक है, बस मेरा भी हो गया सर, बस मैं ये चाहता हूँ प्लीज इस डेटा को थोड़ा पढ़िएगा और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझिए। देखिए हम जमीन पे रहते हैं और डेटा को जो जिस तरह के समाज में हम रहते हैं उसको ध्यान में रखते हैं, आप खोल के देखिए, आप कमरे में बंद है अपने, हाँ डेटा जो होता है ना, देखिए एक एक चीज है, सिंपल सी बात है, सर्वे कोई करता है तो जबानी सर्वे होता है ना,
जबानी हुआ है ना, जबानी हुआ है ना, रिटर्न भी हुआ है। अब चलिए ठीक है, आप डेटा पे मतलब कर रहे हैं, ओके, आप ये कह रहे हैं कि डेटा में इन लोगों ने गलत दिया है। नहीं, गलत का नहीं चक्कर होता, डेटा का जो इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं वो गलत। यार ब्राह्मण देवता आप नहीं मानोगे, ठीक है। देखिए अमित तिवारी जी, एक चीज और मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, आप लोग अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आप ये क्यों नहीं सिखाते कि आप सीधे जाओ कंप्लेंट करो। ये भी तो सिखाते हैं ना, मैं तो बोल रहा हूँ भाई, जितने भाई एक मिनट रुक जाओ, जितने शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अगर वो सुन रहे हैं आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, आप तुरंत जाके उसकी कंप्लेन कीजिए। हाँ ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना, और आप ये अब ये तो मत कहिए आप कम से कम कि पुलिस में भी जातिवाद है, जजेस में यार अपना कौन से मतलब यार ये क्या है यार, अगर आप मेरी बात सुनिए, ये आप ये बात करते हैं सर, तो ह्यूमन सर चल ठीक है, ठीक है। देखिए जैसी हिंदू जी अब अगर आप मतलब इससे आगे बढ़ना चाहें तो मेरे पास है आगे कुछ रामायण पे भी सवाल है, और नहीं रहने दो, अभी आज मैट्रिक्स क्लब को क्या पूछना है उनको पूछ के एक बार खत्म। हाँ चलिए मैट्रिक्स जी आप बात करें, ठीक है जी, आ जाइए बुद्ध पे। फाइनल में ये कहता हूं जी मैं, जी बुद्ध पर आने से पहले मैं फाइनली यही कहूंगा आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए कि सर आप सभी लोग हमारे चैनल पे जो भी रूल्स है मिलकर डिस्कस करते हैं, दोनों की सहमति हमारे चैनल पर आइए और लेट्स डू एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट किया जाए। ये हो नहीं पाएगा, ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। अभी से हमें पता चल गया कि आपके साथ हो नहीं पाएगा। देखिए मैट्रिक जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आपकी जो शैली है बात करने की उसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके सच में, लेकिन क्या होता है कि विचारधारा और जो हमारी मानसिकता है ना वो बहुत अलग है, मैंने लेवल देखा है, नहीं कुछ हो पाएगा, एक भी बंदे में सुधार नहीं हो पाएगा। जहाँ पे देखिए मैं एक आप लोगों की मजबूरी जानता हूँ, एक दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, आप हो गए या कोई भी हो गया जितने भी है, मुझे पता है कि आप लोगों पर क्या दबाव होता है, आप लोगों पर ऑडियंस का दबाव होता है, आप लोग बुरे नहीं हैं, आपकी ऑडियंस चोक करती है आप लोगों को कि वो उसको सर एक्सपोज कीजिए, उसको उसके खिलाफ बोलिए, आप दिल से जानते हैं मैं बुरा नहीं हूँ, आप दिल से जानते हैं आस्था मुक्ति बुरा नहीं है, डॉक्टर साहब बुरे नहीं हैं, अमित जी का जो इरादा है वो बुरा नहीं है, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को कि हम मानवता के लिए काम कर रहे हैं, और हमें कोई शौक नहीं है कि आपकी किताबों को रोज खोल खोल के जलील करें, हम उसी चीज़ को जलील कर रहे हैं यार जो जहाँ से हम निकले, हमें अच्छा नहीं लगता सच में। यूँ समझ लीजिए कि जैसे महाभारत में वो कहानी तो है वैसे वो, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि हम अर्जुन हैं और हमें रोते हुए ना बाण चलाने पड़ते हैं, क्योंकि आप लोग अधर्म की तरफ खड़े हैं इस टाइम। आज धर्म जो जिसे आप धर्म कहते हैं वो अधर्म बन चुका है, सारे धर्मों की बात कर रहा हूँ मैं, मानवता के लिए वो सब अधर्म बन चुके हैं, आज कोई मायने नहीं है उनके। आप बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन क्या होता है कि हर किसी को चौक किया जाता है, उन्हें डिफेंड करना पड़ता है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी जानते हैं कि बहुत कुछ इलॉजिकल है, तो वहाँ पे कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। मैं इसलिए ही नहीं जाता हूँ कहीं पे भी डिबेट करने के लिए, मैं यहाँ पे भी डिबेट नहीं, मैं डिस्कशन ही करना पसंद करता हूँ सच में, और मैं स्टार्टिंग से ही ऐसे ही है, लेकिन लोगों को चुल होती है कि डिबेट करेंगे। मैं जानता हूँ जब आप आए थे पहले लफ्ज से मैं समझ गया था कि आप डिबेट करने नहीं आए, आप खाली बातचीत करने आए हैं, और हाँ आप आए भी अपने लोगों के लिए हैं ना कि हमारे लिए, ये भी मैं जानता हूँ, आप अपने लोगों की वजह से आए हैं, क्योंकि वो कल को आपसे सवाल करेंगे कि आप नहीं गए, क्यों नहीं गए सर, आप मुंह तोड़ जवाब देते हैं उनको। हमारे पास ना बचाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास कोई डोगमा नहीं है। आप कहेंगे बुद्ध के बारे में, मैं क्लियर कर देता हूँ भाई, मैं नहीं मानता, मुझे एक लाइन अच्छी लगी ठीक है मैं उसको फॉलो करता हूँ कि हाँ ये बढ़िया बात है, उसी से सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, मैं कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बुद्ध की एक बात अच्छी लगी और उसको मैंने कहा हाँ ये बात बढ़िया है, रैशनल है बात, इसलिए मैंने उसको रैशनल बोला। इस पे आप लोगों को कुछ नहीं मिला, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ सॉरी, मैं जो भी थे जिनकी तरफ से भी आप आए उनको कुछ नहीं मिला मुझे टारगेट करने के लिए, तो उन्होंने इस बात पे टारगेट कर लिया, क्या फ़र्क पड़ा, उन्हें चाहिए था कुछ बहाना, चाहिए था उन्हें मुझे टारगेट करने के लिए, मेरा नाम लेने के लिए, किसी बहाने से तो लें, उन्हें बहाना मिल गया बुद्ध का, बात ये है और कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, मैंने अर्जुन आर्य को बदलते देखा है, उसकी अंतरात्मा ने उसको झिंझोड़ा कि नहीं यार ये गलत है,
और एक दिन ये आपके अंदर भी है, आएगी भावना। मैं तो जानता भी नहीं इनका चैनल कौन सा है भैया। हाँ, ये सब आपके अंदर भी आएगी एक दिन भावना कि नहीं यार हम बचा तो गलत चीजों को रहे, सच में आप या तो इस चीज को छोड़ देंगे या फिर कुछ और करेंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि ये नहीं चल सकते, अपनी इन चीजों को नहीं बचाया जा सकता, सदियों पुरानी चीजों को नहीं बचाया जा सकता, वो उस टाइम में लिखी गई है, उस टाइम के हिसाब से वो बिल्कुल सही लिखी है उन्होंने, उसी तरह के लोग थे, उसी तरह का सोमरस और नहाने में बड़ा मजा आ रहा था उनको, उसी की स्तुतियां गा दी लोगों ने, उन्होंने उनको अच्छा लगता था वो, और यही था उनके पास करने को, और कुछ था भी नहीं। तो वही सब कुछ है भाई, मैं मन से समझता हूँ इस चीज को, और मैं जानता हूँ आप लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन क्या है कि सबके अपने 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 फर्ज बन गए हैं कि उन्हें निभाना है, बस जबरदस्ती की नौकरी किए जा रहे हैं हम लोग, जबरदस्ती की नौकरी है, लेकिन एक दिन जब मन को अच्छा ना लगे ना तो एक दिन आदमी छोड़ ही देता है, आपको पता है थक हार के आता हूँ, टूट के आता हूँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ मेरा जमीर कहता है कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है। कोई अभी एक सुसाइड करने जा रहा था, अगर वो इंसान बच जाता है, वो इंसान हमसे बात करके समझ जाता है, संभल जाता है, तो हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी, वो अंधविश्वास से बाहर निकल जाता है तो हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। मैं कह देता हूँ किसी को भी कि यार ठीक है नास्तिकता तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, तो कोई बात नहीं, बुद्धिज्म है ना, उसकी एक आधी लाइन पकड़ लो और उसके बाद उसको भी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, जब आप उस लेवल पे आ जाएं तो आप उसको भी छोड़ सकते हैं, वो एक जरिया बनेगा बस आपका अंधविश्वास से निकलने के लिए। मेरा सिर्फ बुद्धिज्म इतना सा है और कुछ नहीं, क्योंकि वो बहुत बहुत शोषित और पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हें नहीं पता, उन्हें धर्म ही दिखता है कोई ना कोई, उन्होंने धर्म दूसरे धर्म में गए थे, इस्लाम अपनाया था उन्होंने, हिंदुज्म में दुखी होकर उन्होंने इस्लाम अपनाया, सिख बने, तब ये सिस्टम चला था यहाँ पे, स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और फिर जाति को जन्मना नहीं कर्मणा बनाया था, वो सब मैं जानता हूँ, मैंने स्टडी की है इस चीज के बारे में। मेरे भाई आप लोग अच्छे लोग हैं, और इंसान सच बताऊं ना बुरा होता भी नहीं है, उसके जो ये हालात उसे बुरे बना देते हैं, इंसान नेचुरली अच्छा ही होता है। एक बच्चा छोटा सा होता है ना, उसको कोई जानवर को चोट लग जाए ना, वो अपनी पॉकेट मनी से 10-20 रुपए इकट्ठे करके हॉस्पिटल पहुंच जाता है, उसका ये डॉक्टर साहब इसका इलाज कर दो, इसे बचा लो, दया करुणा हम सब में है, लेकिन कहीं ना सर आवाज चली गई, आई थिंक नेटवर्क की दिक्कत है उनकी तरफ। तब तक मैट्रिक जी आपको कुछ कहना है तो कहिए। जी, मैंने ह्यूमन विद साइंस सर की बात सुनी है, एंड मेरा जो भी विवाद रहता है, जरूरी नहीं कि मैं डोगमा को ही बचाने के लिए अग्रसर हूँ, इवन जो भी जातिवाद है वी आर लिटरली अगेंस्ट देम, और ठीक है बहुत सी डेटा है। दूसरी चीज कि जो हम है ऐतिहासिक तथ्य पे भी विवाद पर डिस्कशन चाहते हैं, धार्मिक विवाद पर तो है ही, और भी अन्य। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, ये तो बिल्कुल है, आप अच्छे हैं, ये पक्की बात है, ये अच्छे इंसान है, और दिल खुश हुआ आपसे बात करके, और ऐसा नहीं है, मैं आपसे मैं कोशिश करूंगा, मैं आपसे तो बात कर ही सकता हूँ, और किसी से करूँ ना करूँ, लेकिन आपसे तो मैं बात कर ही सकता हूँ, और वहां पे आके आप मुझे जो मर्जी बोलना यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे इंसान के लिए मैं दो गालियां भी खा लूंगा, ठीक है, कभी अगर आपसे भेंट हुई, कभी आना हुआ, इनका अपना चैनल भी है। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपके पास आ जाऊंगा कभी भी, कोई दिक्कत नहीं, जब भी मुझे लगेगा मौका मिलेगा, टाइम लगेगा, मैं जरूर आऊंगा, ठीक है ना। वैसे इन्होंने जितने अपने पॉइंट हैं बहुत आपने सर पोलाइटली रखे, उसके लिए बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके, आते रहिए सर, थैंक यू।